रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। महिला के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए कटा कट कटा कट कटा कट। शाहजादे को पूछोगे विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है तो वो कहते हैं टका टक। अगर हम लोगों को सरकार में आटा और डाटा फ्री देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। पूरा हुआ बयानों का दौर, चुनाव चला, अब नतीजों की ओर। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कहां मनेगा जश्न, कहां मचेगी रार। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सभी चरणों की वोटिंग प्रक्रिया हुई पूरी। 543 लोकसभा सीटों पर ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। 4 जून को तय होगा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। कौन जीता कौन हारा, अब सबको है जनता के फैसले का इंतजार। झारखंड से पल पल की जानकारी डीडी न्यूज के डेटा सेंटर से सबसे पहले जानिए हर सीट का हाल। पल पल की जानकारी मेरे साथ सबसे पहले सबसे सटीक। देखिए 4 जून को सबसे तेज नतीजे जनादेश में 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। कभी इधर घटाया कांग्रेस 7 पर है और 2 पर एनडीए है, ये बता रहा है कि क्या झारखंड खिसक रहा है। कभी उधर बढ़ाया 152 पर, 152 पर एनडीए इस वक्त पहुंच चुका है, 57 पर यूपीए, 53 पर अन्य। कभी इसको हराया लेकिन बंगाल में बीजेपी 2 पर आ गए, टीएमसी सिर्फ 1 पर आ गए। कभी उसको जिताया 57 जो है वो सीटों में तब्दील हो जाती है, उसका मतलब दे आर इन द गेम अगेन। पर सबसे सही नतीजा तो हमने ही बताया, इसलिए तेजी के चक्कर में गलत मत सुनिए, जो बताए सटीक नतीजे उसे ही चुनिए। 4 जून को सबसे सही सबसे सटीक चुनाव नतीजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक है MDH, बढ़िया है, शुद्ध है MDH, मिर्ची धनिया हल्दी असली मसाले सच सच MDH, गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का रियल हीरो, और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी कुछ नहीं टेकेगा। नमस्कार, जनादेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 2 घंटे हो चुके हैं मतगणना की शुरुआत हुए, लेकिन शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं काफी दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रुझान में इस समय 244 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, वहीं एनडीए 291 पर और इंडिया गठबंधन 207 पर आ गए, यानी कि इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर देती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। जादुई आंकड़ा 272 का भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ रुझानों में पार करती हुई दिख रही है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश पे सबकी नजरें 80 सीटों पर, साथ ही साथ तमाम अन्य राज्यों में भी किस तरह के रुझान है आपको बताएंगे। अगले 2 घंटे से हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान, मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक मौजूद हैं। जी हां, तो इस वक्त जो है 2 घंटे की पोलिंग के बाद, 2 घंटे की जो ईवीएम पे काउंटिंग हुई है उसके बाद चुनाव बड़े दिलचस्प लग रहे हैं। और जैसे चुनाव होते हैं कांटे की टक्कर होती है, इधर होता है उधर होता है, इधर वो आगे ये पीछे, तो लगभग इस तरह की तस्वीर दिख रही है। लेकिन ये बात बोलिए कि अभी सिर्फ पहले राउंड की जो है वो काउंटिंग हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि अगले 1 घंटे में 2 घंटे में यह तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, और अगले 2 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, अगले 2 घंटे में तस्वीर साफ होगी। और जैसा कि ऋतु ने बताया, इस वक्त जो अभी तक ट्रेंड दिख रहे हैं उसमें एनडीए बहुमत के साथ जो है सरकार बनाते दिख रही है, लेकिन फाइट जो है वो बड़ी क्लोज है, खासकर उत्तर प्रदेश से जो फिलहाल
अर्ली ट्रेंड दिख रहे हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले, लेकिन बहुत कुछ इस चुनाव में और है, इस सब पे बात करेंगे। मेरे साथ राजकिशोर जो है स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर, और मेरे साथ मौजूद है प्रदीप भंडारी, सेफोलॉजिस्ट हैं। प्रदीप, सबसे पहला आपसे सवाल, इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं वो खबरें क्या दिखा रही हैं, क्या बता रही हैं? देखिए, खबर ये बता रही है अशोक जी और ऋतु जी कि एनडीए जो है बिहार के अंदर 35 सीट्स पे आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन बिहार में 5 सीट पे आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 38 सीट, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 43 सीट्स पे एनडीए आगे चल रही है और 36 सीट्स पे इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश जी, प्रदीप जी रुझानों पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए उससे पहले अभी तक मतगणना से जुड़ी जो खास खबरें हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं, हेडलाइंस को एक बार देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा किया पार, वहीं इंडी गठबंधन 200 के पार। यूपी में एनडीए और विपक्षी गठबंधन में कड़ा मुकाबला, रायबरेली में राहुल गांधी, कन्नौज से अखिलेश यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेता फिलहाल आगे चल रहे हैं। देश में चलेगा मोदी मैजिक या इंडी गठबंधन बनाएगा सरकार, अब से कुछ घंटों बाद तस्वीर हो जाएगी साफ। और इस वक्त की जो बड़ी खबरें आ रही हैं, हमने आपको हेडलाइंस तो बताई लेकिन ब्रेकिंग पे जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबरें जो आ रही है देश भर से वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बीजेपी और इस वक्त की बड़ी खबर जो है इलेक्शन ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव की मतगणना को 2 घंटे पूरे और 2 घंटे बाद एक तस्वीर जो हमारे सामने आ रही है, हम लगातार उस तस्वीर की बात कर रहे हैं। रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता है, एनडीए की बात कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी अकेले दम पर फिलहाल पूर्ण बहुमत से दूर, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल आगे हैं, इस तरह के जो शुरुआती रुझान बता रहे हैं। अभी पहले से दूसरे दौर की जो काउंटिंग हो रही है, दिल्ली में 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 सीटों पर बीजेपी दिल्ली में आगे है। यूपी में एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला, वहीं मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर भाजपा को बढ़त दिखाई दे रही है। 29 सीटें मध्य प्रदेश की, 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, एक बार फिर 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। रुझानों में विपक्षी गठबंधन 200 के पार दिखाई दे रहा है, वहीं महाराष्ट्र में भी कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, यानी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र दो ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर इस समय मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच दिलचस्प दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव की मतगणना को 2 घंटे बीत चुके हैं, 2 घंटे में जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, ये एक नजर डालेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी किन सीटों पर कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। उत्तर प्रदेश जल्दी से नजर डालते हैं, करण भूषण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह के बेटे, ये आगे चल रहे हैं कैसरगंज से, उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त जो ट्रेंड आ रहे हैं सामने। प्रदीप कुमार मौजूदा सांसद हैं कैराना से उत्तर प्रदेश से, वो भी फिलहाल आगे चल रहे हैं, बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं कैराना उत्तर प्रदेश से, प्रदीप कुमार फिलहाल आगे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से उत्तर प्रदेश में आगे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है, इस पे किसी को कोई शक या गुंजाइश नहीं है इसकी। इकरा हसन मुनव्वर हुसैन की बेटी हैं, उत्तर प्रदेश में फिलहाल वो कैराना से पीछे चल रही हैं अर्ली ट्रेंड्स में, ये भी एक बड़ी खबर हो सकती है। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे चंदौली उत्तर प्रदेश में वो पीछे चल रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। वाराणसी सटी सीट है, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, वो पिछड़ रहे हैं फिलहाल। चंद्रशेखर आजाद जो संस्थापक है भीम आर्मी के, नगीना उत्तर प्रदेश से फिलहाल आगे चल रहे हैं, 2019 में ये बीएसपी की सीट थी। इसके अलावा अजय राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो है अध्यक्ष हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीछे चल रहे हैं। तो ये प्रमुख उम्मीदवार लगातार हम आपको बता रहे हैं। लल्लू सिंह 3 बार के सांसद फैजाबाद से आगे चल रहे हैं, शुरुआती एक तरह से रुझानों में फैजाबाद से लल्लू सिंह पीछे दिखाई दे रहे थे लेकिन अब ये आगे चल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री मिर्जापुर से पीछे चल रही हैं, अपना दल से सांसद हैं, 2 बार से इस सीट पे अपनी जीत दर्ज करती आई हैं लेकिन अभी शुरुआती रुझानों में पीछे संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर से आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख चेहरे, प्रमुख उम्मीदवार एनडीए और यूपी इंडिया गठबंधन के हैं। धर्मेंद्र यादव, मुलायम सिंह यादव के भतीजे आजमगढ़ से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं, धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं।
और इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। बड़ी ब्रेकिंग यह है कि लोकसभा चुनाव की मतगणना को 2 घंटे जो पूरे हुए हैं उसमें इस वक्त एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ 293 सीटों पर आगे चल रहा है। और उड़ीसा से भी हमारे पास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उड़ीसा से हम आपको जल्दी बताएंगे उड़ीसा से इलेक्शन ब्रेकिंग क्या है। इस वक्त उड़ीसा से इलेक्शन ब्रेकिंग है, उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी बढ़त जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये इस चुनाव का बहुत बड़ी खबर होगी। रुझानों में बीजेपी 33 सीटों पर, उड़ीसा में क्या नवीन पटनायक की बीजेडी को अपदस्त करके बीजेपी वहां सरकार बनाएगी, ये इस चुनाव की बहुत बड़ी खबर होगी जो फिलहाल ट्रेंड में दिखा रहा है। ऋतु जी हाँ बिल्कुल, और हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ राज किशोर जी भी हैं। राज किशोर जी, क्या दिखाता है रुझानों में, जिस तरह से उड़ीसा विधानसभा के भी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो एक बड़ा बदलाव दिखाने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर ऋतु जी और अशोक जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उड़ीसा में हमेशा जो है मतदाता केंद्रीय जो चुनाव होता था लोकसभा चुनाव उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक के साथ जाते थे। इस बार नवीन पटनायक की जो बीमारी और उनकी जो अशक्तता है वो बहुत बड़ा मुद्दा था, इसको खुद प्रधानमंत्री ने भी वहां पर उठाया था। तो नवीन पटनायक को लेकर भले कोई इशू ना हो, लेकिन ये जो मुद्दा बना और भारतीय जनता पार्टी लगातार सतत वहां पर प्रयास करती ही चली आ रही थी, लगता है कि इस बार वो अपना वो मुकाम हासिल कर सकती। बाकी लोकसभा में भी वो अच्छा प्रदर्शन पहले से ज्यादा करने जा रही है, यह भी स्पष्ट नजर आ रहा था। लेकिन जो आप आंकड़े दिखा रहे थे वो बड़े दिलचस्प हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश, जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाने की बात की आती थी, तो सरकार तो बनती दिखाई पड़ रही है यहां पर एनडीए की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अशोक जी, जल्दबाजी मत करिए, 2015 का चुनाव याद है ना आपको बिहार का, कि एकदम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी गई थी वहां पर एनडीए पे, फिर बाद में नीतीश और लालू ने मिलकर ऐसा खेल किया था और अभी पिक्चर बाकी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कैराना और संजीव बालियान जैसी सीटों पर अगर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी पहले चरण में पीछे दिखाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं इससे अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो बहुत ज्यादा मजा आई। जरा डीडी न्यूज देखते रहिए क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक आंकड़े आपको मिलेंगे, बाकी अपने मन से यहाँ आंकड़े नहीं डाले जा रहे, तो मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 मत समझिए, ये 2020 जैसा है, लेकिन 2020 जैसा जो आपने धड़कने मत बढ़ाइए, अभी बहुत कुछ जो होना है और इसलिए बहुत किसी नतीजे में पहुंचे जल्द। लेकिन प्रदीप, एक जो बड़ी तस्वीर दिख रही है वो ये दिख रही है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जिनके कारण फिलहाल जो है इंडी गठबंधन फाइट में आता दिख रहा है। देखिए, दो स्विंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के। अब अगर बिहार के अंदर एनडीए 35 सीट्स पे आगे बढ़ रही है, जहां कास्ट सबसे बड़ा प्रभावी फैक्टर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एनडीए पीछे पड़ रही, ये मुझे समझ में नहीं आता। जैसे नगीना की सीट जो आपने दिखाया, वहां अगर मुस्लिम वोट को इंडिया अलायंस को डालना चाहिए था, वहां मुस्लिम वोट जो है चंद्रशेखर की तरफ कैसे जा सकता है अगर एंटी माहौल है। तो मैं राजकिशोर जी से सहमत हूं, मेरा मानना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य पर नजर डालने वाला हूं, वह है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने ना स्टेट इलेक्शन में एंटी इनकंबेंसी देखी, ना बाइपोल में एंटी इनकंबेंसी देखी, ना लोकसभा में एंटी इनकंबेंसी देखी, ना सपा बसपा का गठबंधन देखा। तो ये मैं मार्जिन कम हो सकता है, पर मैं अचंभित हो जाऊंगा अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ओके, मैं अभी शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा इस शाहनवाज जी से बात करने के बाद। एक बार जरा देखेंगे कुल मिलाकर अगर वोट शेयर देखें तो किस तरह का वोट शेयर फिलहाल दिख रहा है, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन पहले शाहनवाज हुसैन जी के पास चलते हैं। शाहनवाज हुसैन जी, फिलहाल जो कुछ दिख रहा है तस्वीर, उसमें यह बात तो दिख रही है कि एनडीए भले ही अपनी सरकार बना ले, लेकिन अब की बार 400 पार होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा, क्या आपको लग रहा है इस वक्त जो है जो ट्रेंड देख करके क्या आप लोग कह सकते हैं कुछ चूक हुई है आप लोगों से? नहीं, अभी तो देखिए काफी राउंड बाकी है, अभी 10:10 12 मिनट हुए हैं और ये पूरे नतीजे 1 बजे तक तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये सही है कि हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सीटों में जरूर है क्योंकि आज कोई दावा का दिन नहीं है, सीटों में हमारी कुछ गिरावट दिख रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब पूरा नतीजा आएगा तब हम काफ़ी आगे निकलेंगे और कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे अभी आप बात कर रहे थे भंडारी जी, उत्तर प्रदेश में भी शुरू में तो 2-3 सीट बनारस में भी और कैराना में ये बालियान साहब की सीट एकाध राउंड पीछे दिखाई, लेकिन सब आगे हो गए और भारी वोट से ये सब सीट हम लोग जीतने वाले। तो शुरू के राउंड में जरूर आपको लग रहा होगा कि अभी आगे पीछे थोड़ा होंगे, मुकाबला हो रहा है, ये सही है, लेकिन आएंगे मोदी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। नहीं, लेकिन आप आएंगे मोदी,
लेकिन बिहार की सीटों पर भी एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है अभी भी जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उसमें। हाँ, बिहार में 8-9 सीटें ऐसी हैं जिसपे हमारे विपक्षी को लीड है, लेकिन वो बहुत छोटे मार्जिन से लीड है। कई राउंड में अगर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाते हैं तब वो राउंड ज़्यादा अभी शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग चैनल पर अलग अलग आंकड़ा भी दिख रहा है। तो मैं मानता हूँ कि सबको वेट करना चाहिए, जो लोग डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप तो आंकड़ा बहुत सोच समझ के डालते हैं, एकदम सही डालते हैं, और चुनाव के दिन तो लोग डीडी न्यूज़ ही और इलेक्शन की जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखते हैं, और उससे लग रहा है कि हमारी बहुत सी सीटों पर बढ़त है और बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी, एकदम ये साफ दिख रहा है। शहनवाज जी, आप कह रहे हैं कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी, लेकिन उत्साह में वो जोश नहीं दिखाई दे रहा आवाज में, जोश की कमी दिखाई दे रही है। आप भी जो है थोड़ा थोड़ा जो है कुछ एग्जिट पोल ने जो एक तरह से जोश पैदा किया था वो इन नतीजों ने कुछ कम कर दिया है, ट्रेंड ने भी? नहीं, जोश ये क्या है कि भीड़ भाड़ में बैठे हैं, पूरा जोश है, जोर से बोलना ही जोश नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि एकदम साफ दिख रहा है भाई, अगर आपका स्क्रीन देखें तो आप हमें पूरी तरह 298 तो सरकार अभी बन रही है, सामने बन रही है, नजरों के सामने दिख रहा है, और सीटें आगे पीछे हो रही है, जब बोल रहे हैं तो एक दो सीट आगे पीछे हो जाती है। इसलिए आज का दिन दावा करने का दिल नहीं है, आज के दिन तो आंकड़ा देने का दिन है, और आंकड़ा सामने है कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें क्या शक है। जहां उत्तर प्रदेश की सीटें हैं और कई और जगह महाराष्ट्र और कर्नाटक में, इसमें भी हमारी टैली इम्प्रूव होगी। अभी एक घंटा देखिए, एक घंटे बाद बहुत अच्छी स्थिति में हम आएंगे। चलिए, एक घंटे का इंतजार फिलहाल आप कह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी ट्रेंड्स हैं, और हम सही कहा आपने कि हम जो है चुनाव आयोग की आधिकारिक जो पूरा ट्रेंड दिखा रहे हैं हम उसी पर स्टिक हैं, हम इसके अलावा कहीं आगे पीछे नहीं जा रहे। जो ऑथेंटिक है खबर वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी कई स्टेट में, बल्कि यूं कह सकते हैं ज्यादातर स्टेट में अपनी पोजीशन सुधारती हुई दिख रही है। तो क्या ये कोई दक्षिण भारत में आपका अच्छा करना, लेकिन उत्तर भारत में जो है कई राज्यों में फिलहाल आपका फिलहाल जो है थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलना, ये क्या इंगित करता है शाहनवाज जी? देखिए अशोक जी, सब जगह माहौल तो दक्षिण भारत में, आंध्रा में गया था प्रचार में, तो वहां तो एकदम साफ दिख रहा था कि बड़ी भारी बहुमत से चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और रुझान भी वही आ रहे हैं, और वहां हम कमल खिला रहे हैं। तमिलनाडु में भी पहली बार हम इस तरह का मुकाबला कर रहे हैं, केरल में भी कर रहे हैं, तो साउथ में कर रहे हैं, लेकिन कई जगह हमारे जो उम्मीदवार हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी हम पर कई जगह भारी पड़ रही होगी, लेकिन मोदी मैजिक जो है वो सबको जिताएगा। दर्शकों के साथ एक बार साझा कर ले, गया से जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, हाजीपुर से चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, तो ये वो तमाम अपडेट्स हैं जो तमाम उम्मीदवार किस तरह से अपने अपने क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह आगे चल रहे हैं अशोक। ये एक बड़ी खबर है, काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह का आगे चलना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही हैं, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि कंगना रनौत को लेकर के जो पोल प्रिडिक्शन थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। हरियाणा में भाजपा 4 और कांग्रेस 5 सीटों पर आ गया, मुझे लगता है कि ये लगभग एक्सपेक्टेड लाइन पर है। हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अगर आपकी मार्जिन बहुत क्लोज होगी, आप देखेंगे कि कोई ना कोई पार्टी जो है 7 तक पहुंच सकती है, क्योंकि इंडिकेटर है। देखिए अशोक जी, जैसे राजकिशोर जी कह रहे थे, मेरे लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर स्टेट उत्तर प्रदेश है, क्योंकि अगर जाति बिहार के अंदर में अगर एनडीए लीड कर रही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर पीछे पड़ना मतलब कुछ बहुत ज्यादा ग्राउंड पे कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन हुआ है अगर ऐसा होता है तो। ओके, ग्राउंड और 300 इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, एनडीए फिलहाल 300 सीटों पर बढ़त बनाकर दिख रहा है साफ तौर पर, तो रुझानों में एनडीए 300 सीटों पर पहुंचा है इस वक्त की बड़ी खबर। 300 ऋतु, ये 300 का आंकड़ा जो है ये एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क माना जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो पोल प्रिडिक्शन हो रहे थे वो एनडीए को 300 से 350, हालांकि कुछ प्रिडिक्शन 300 350 से ज्यादा थे, लेकिन मोटे तौर पर सब ये मान रहे थे कि एनडीए 300 सीटों पर पहुंचेगी, और फिलहाल जो है वो दिख रहा है
कि 300 सीटों पर एनडीए है। अब इसमें बीजेपी अकेले अपने दम पर क्या 272 का आंकड़ा पार कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अगले एक घंटे में मिल जाएगा। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ, मैं ये भी बता दूं, राजकिशोर और केवी प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केवी प्रसाद, आपका पहला जो प्रेडिक्शन क्या है, पहला आपकी प्रतिक्रिया है, फिलहाल जो रुझान इस वक्त समय दिख रहे हैं, एनडीए 299-300 के बीच और इंडी गठबंधन फिलहाल 211 के आसपास। अशोक जी, आपने अंत में एक बात कही थी ब्रेक में जाने से पहले, वो ये कि ये T20 है, मैं मानता हूँ ये वन डे का टेस्ट है, जिसमें दोनों टीम मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो एक दूसरे का टेस्ट कर रहे हैं पेशेंस, और उस वक्त जो है लोगों ने अपना वर्डिक्ट दिया है और वो वर्डिक्ट आपके सामने खुल रहा है, और राउंड चाहे एक या दो हुए, उसके इनिशियल ट्रेंड से दिख रहा है कि इट इज़ द वोटर ऑफ इंडिया जिसने एक अपने विवेक का परिचय दिया है, और जितने एग्जिट पोल ने जिस तरह से एक तरह का दिखाया वो इस वक्त अभी तक जो राउंड हुआ है उसमें फर्क दिख रहा है। प्रदीप, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल ने जिस तरह का तरफा दिखा उससे फर्क है। बिल्कुल, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली फर्क है। मैं कहना चाहता हूं इसमें सबसे बड़ा फर्क जो है वो सिर्फ एक राज्य के अंदर अगर आप देखेंगे, जिससे पूरी दिशा 300-350 की जो चेंज हो रही है वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी हमारे एग्जिट पोल इंक्लूडिंग किसी भी एग्जिट पोल ने, राजकिशोर जी भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रैवल किए, 60-64 से नीचे एनडीए को किसी ने नहीं दिखाया, और अभी जो है कांटे की टक्कर दिख रही है। तो ये मेरे हिसाब से, बाकी अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर क्लीन स्वीप है, हिमाचल के अंदर क्लीन स्वीप है, बिहार के अंदर एनडीए जो है 30-32-33 के आंकड़े में पहुंच रही है। सो मेरा मानना ये, उत्तर प्रदेश अगर ऐसे ही रहेगा तो ये इंडिया अलायंस का नंबर यही रहेगा और ट्रेंड पूरा चेंज होगा। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी 60 क्रॉस करेगी तो यू विल सी एनडीए टचिंग 350। ओके, उत्तर प्रदेश में अगर जो अभी ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, ट्रेंड्स अगर दिखाते हैं और ये नतीजे की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो वो क्या बिंदु है जिन पे चर्चा करने की जरूरत है? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को नकारा तो गया पहले भी चुनाव में, जनता ने भी नकारा है, फिर इसके इस बार कामयाब होने के पीछे के जो भी ट्रेंड्स में दिख रहा है उसमें फैक्टर क्या दिख रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि ये जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम है भारतीय जनता पार्टी, वो बिल्कुल आखिरी बॉल तक लड़ती है, और अभी मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये जो ट्रेंड, लेकिन एक चीज दिखा रहा, मैं वैसे मानता हूँ कि ये ट्रेंड नहीं रहने वाला है, नहीं रहने वाला, लेकिन इसके बाद अगर ये शुरुआती दौर में भी ये चीजें आई, क्योंकि अगर आप याद करें 2014 और 19 में तो अब तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी, और इस बार मुकाबला हो रहा, तो ये जानते किस लिए हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी के नाम पे किसे भी, मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, टॉम डिक हैरी को खड़ा कर दें और उसको वोट मिल जाएगा। ये प्रत्याशियों के चयन में लगातार, अगर याद करें कि शुरुआती दौर में ये बात कही जा रही थी कि जिस तरीके से कार्यकर्ता निराश हैं और लोगों को लग रहा किसी को भी खड़ा कर दिया गया है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, तो मैं अभी मानता हूं कि बदलेगा, लेकिन ये एक बार भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन के लिए जरूर मजबूर करेगा कि कैसे आपने अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। जो लोग दरी बिछाते थे वो दरी इस बार खींचे ना खींचे, थोड़ा हिला जरूर रहे, वो झाड़ जरूर रहे। इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप, जो बात कर रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और हां, मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो जो कैंडिडेट बेस्ड एंटी इनकंबेंसी, जिसकी बात अशोक जी हम प्री पोल भी कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे, मोदी फैक्टर जो है वो प्रभावी हो रहा है और कैंडिडेट बेस एमपी एंटी इनकंबेंसी जो है वो दरनिकार हो रही है, तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो ये कैंडिडेट बेस्ड एंटी इनकंबेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर उसका रिफ्लेक्शन होगा। एक फैक्टर जिसकी एक फैक्टर मैं कह रहा हूं, सुबह से ये भी बात कर रहे थे और लगातार चुनाव में कर रहे थे कि जब बीजेपी कह रही थी कि अब की बार 400 पार बीजेपी 400 पार, तो स्थानीय जगह पर जहां लोग अपने कैंडिडेट से नाराज थे, उनको लग रहा था कि अगर एक सीट हार भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ये एक सीट तो इनको सबक सिखा देते हैं कैंडिडेट को, तो ये फैक्टर लगता है कि कहीं ना कहीं ये है। और दूसरी बात, एक क्रेडिट तो मुझे देना पड़ेगा अखिलेश यादव को खासतौर से, कि जिस तरीके से उन्होंने जाति और सामाजिक समीकरण संतुलन साधा उसके बाद ही थोड़ा चुनाव में दम आया, क्योंकि मैं खासतौर से कहूंगा एक कास्ट विशेष कुर्मी वोटों को लेकर, अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज केशव प्रसाद मौर्य को राथू सीट से विधानसभा में हराया था और उन्होंने अपने प्रत्याशी बदले तो लोग लगा कि अखिलेश पीछे चले, नहीं, वो चीते की तरह एक दो कदम पीछे और चार कदम आगे वाली जो रणनीति थी वो निश्चित तौर पर इन चुनावों में काम करती दिखाई दे रही थी। देखिए, जब मुकाबला अगर करीबी हो रहा है तो यहां पर नैतिक जीत तो अखिलेश यादव की हो ही रही है। अगर इस तरीके से
मैं कहता हूं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू भले ना करे, लेकिन अगर इस तरीके से चीजें हुई टक्कर भी अगर दे दी तो वो कामयाब होगा। मैं एक पांच सेकंड छोड़ देखिए, हम सब ये मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लीड मार्जिन है वो कम होगी, तो ट्रेंड तो जब जिसकी वोट खुलेगी वो होगा। अल्टीमेटली अगर ये ट्रेंड सीटों में ऐसे ही तब्दील होगा तो वो कंप्लीटली जो है इनकी स्ट्रेटेजी चलेगी, पर मार्जिन तो कम होना तय ही है। तीन राज्यों में भाजपा क्लीन स्वीप की ओर, ये इस वक्त की जो इलेक्शन ब्रेकिंग है वो ये है, कम से कम तीन राज्यों में बीजेपी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड छोटे राज्य हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी का जो है वो ऐसा राज्य है जहां उसका डोमिनेंट है, तो तीन राज्यों में भाजपा क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप होता है तो ये नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे जो है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। ऋतु जी बिल्कुल, नकुलनाथ की एक ही सीट थी जो 2019 में भी बचा पाए थे, वो कमलनाथ अपनी सीट छिंदवाड़ा को, जो कि अब नहीं बचती दिखाई दे रही है। केवी प्रसाद, हम इन रुझानों पे तो बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में आपको जोड़ना चाह रहे थे। देखिए 29 को 29, मैं यही कह रहा हूँ, एक सेकंड अशोक जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ जो लॉजिक में कुछ समझ। मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार काफी समय से रही, वहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी 29 सीट जीत रही है, अगर बिहार के अंदर कास्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है उत्तर प्रदेश से ज्यादा, जी जी डिबेट जारी रहेगी और हम आंकड़े भी दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ होंगे और हम आपको बताएंगे चुनाव की तस्वीर इस वक्त भारत की क्या है, रिजल्ट और जो रुझान है वो क्या है, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बीजेपी 50 यूपी 29 इंडिया लाइन। नहीं नहीं बोल देते कोई बात नहीं। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूले। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। और इस वक्त आप देख रहे हैं जनादेश, और जनादेश में जो इस वक्त देश की जो बड़ी तस्वीर है, जो चुनाव के रुझान और नतीजे हम आपको लगातार बता रहे हैं, और हमारे साथ पैनल भी है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से लगातार सुबह से बात हो रही है, आपको एक बड़ी खबर दिल्ली से देता हूं और उसके बाद उत्तर प्रदेश से जो ट्रेंड है, बड़े ट्रेंड वो आपको प्रदीप बताएंगे। दिल्ली में कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से 30,000 से ज्यादा सीटों से फिलहाल पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है और दिल्ली का ट्रेंड भी दिखाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से प्रदीप, देखिए इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कन्हैया कुमार 28,000 वोटों से
पीछे चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और मैं कहना चाह रहा हूं कि ये इसके साथ में ये जो लीड है ये बढ़ती जा रही भारतीय जनता पार्टी की सीट पे। अगर ओवरऑल मैं बात करना चाहूंगा, अगर एक और राज्य की बात करना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जेडीयू जो है वो 13 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी बिहार के अंदर 9 सीटों पर आगे चल रही है और एलजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, तो और कांग्रेस 2 और आरजेडी 4। उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो मेरे पास सोर्सेज मेरे ग्राउंड पे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का आंकड़ा बढ़ रहा है, बीजेपी 44 पे पहुंच चुकी है और इंडिया अलायंस जो है 31 पे है। तो अब अभी 44 31 शहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज जी, टक्कर अभी भी उत्तर प्रदेश में बरकरार दिखाई दे रही है। नहीं देखिए, जैसा आपने अभी भंडारी जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो बदल रहा है, उत्तर प्रदेश का जो आखिरी आंकड़ा आएगा वो हमारी उम्मीदों पे ही आएगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, वो कई जगह यहाँ पर सही कहा गया कि उम्मीदवार की भी कई जगह एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, उसके वजह से कई सीटें फंसी हुई दिख रही हो, लेकिन सब जगह हम लोग जीतेंगे। और ये नंबर का हो सकता है कि नंबर में थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन सरकार मोदी की बन रही है, आ रहे हैं मोदी, जीत रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। अशोक, सवाल से पहले एक बधाई तो दे देनी चाहिए कि 3 राज्यों में क्लीन स्वीप की बधाई तो शहनवाज जी आपको देनी चाहिए हम लोगों को कि बहुत बहुत बधाई, 3 राज्यों में क्लीन स्वीप हो रहा है, उसमें से एक राज्य तो ऐसा है जिसमें संभावित था, मध्य प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी एक, हाँ उत्तर प्रदेश में भी देखिएगा, उसकी भी बधाई आपसे स्वीकार करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी वो इम्प्रूव होगा वो हमारा टैली जो है। और मैं मानता हूँ कि अभी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो बीच में, मैं जब आप बात कर रहे थे तो मैं निकाल कर देख रहा था, उस पर जो रिजल्ट आ रहे हैं और डी डी पे नजर आ रहे हैं, पूरे देश की नज़र यही जगह है, डी के डी डी न्यूज़ पे है और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है, और ये साफ दिख रहा है कि जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं उसमें ठीक है कई मुकाबला हो रहा है, लेकिन अब हमारा मुकाबला और इम्प्रूव होगा और हम काफी सीटें जीतेंगे स्पष्ट बहुमत के साथ। शाहनवाजी एक सवाल यहाँ पर, शाहनवाजी एक चर्चा यहाँ चली है और मुझे लगता है आज जो है बीजेपी को ये थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ेगा, शाम तक मुझे लगता है सोचेंगे, स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। यहाँ पर राजकिशोर जी एक बात कर रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी ने इस बार सबके लिए दरवाजे खोल दिए कि जो मिल जाओ, उसको लेकर कहीं कहीं कुछ राज्यों में ऐसा लग रहा है कि जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता था उसने सोचा कि दरी खींचेंगे नहीं लेकिन थोड़ी सी हिला जरूर देते हैं ताकि जो है नेतृत्व को समझ आ जाए कि भाई हम भी हैं नीचे। नहीं, ऐसा नहीं है, जो लोग लड़े हैं वो तो ताकत से लड़े हैं और जिन लोगों ने लड़ाया है वो भी ताकत से लड़ाया है। बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहता है। ये सही है कि हमारे यहाँ जो कुछ उम्मीदवार, जो राजकिशोर जी कह रहे हैं कि बहुत से उम्मीदवार बाहर से आए, उनका परफॉर्मेंस तो बाद में पता लगेगा कि वो कैसा परफॉर्म उन्होंने किया है, लेकिन हम लोगों ने सोच समझ के ही टिकट दिया है। कभी भी हम लोगों ने इस तरह से जीतने वाले उम्मीदवार का जो पैमाना होता है, केंद्रीय चुनाव समिति हर चीज़ों पर विचार करती है और काफ़ी सर्वे करके विचार करके हम लोग उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। ओके। और ये है कि कई जगह वो उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दिख रहे हो, लेकिन हमारा जो यकीन है, विश्वास है कि आएंगे मोदी और प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आंकड़ा तेजी से जो अब आने लगेगा, जैसे ही 12 बजे के बाद तो आंकड़ा नतीजे में बदलने लगता है। ओके। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी 1-2 ही फेज का उन्होंने डाला है, जब तक 5 फेज, क्योंकि 14-14 राउंड होता है और 14-15-16 कई जगह 18 राउंड होता है। बिल्कुल शहनवाज जी, 12 बजे के बाद ये जो ट्रेंड है वो नतीजों में तब्दील होंगे, उसमें आपकी उम्मीद है कि उसमें आप उत्तर प्रदेश में भी आगे निकलेंगे, लेकिन 400 पार का जो नारा था वो ट्रेंड में दिखता हुआ नहीं अभी दिखाई देता, तो क्या 400 पार का ये जो लक्ष्य रखा गया था ये अपने लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखा था या फिर विपक्ष को उस गणित में फंसाने के लिए सिर्फ? नहीं, हमने कार्यकर्ता के लिए रखा था और हमने रखा और हम कार्यकर्ता ने नारा लगाया था, हमने अपने तरफ से नारा नहीं लगाया। ओके। जनता ने नारा लगाया था अब की बार 400 के पार, जो माहौल है और मैं समझता हूँ कि ठीक है 400 पैमाना था, अब इसका मतलब आप कहेंगे 399 आए तो अब कम आ गए, 401 आए तो पैमाने पे खड़े उतरे, ये तो नहीं हो सकता।
एक टारगेट सेट किया जाता है और टारगेट अचीव हो रहा है। अभी एनडीए को आप करीब 300 के करीब सीट दिखा रहे हैं तो सरकार तो बनी रही है हमारी, इसमें कहां कोई शक। ओके, चलिए चलिए, शुक्रिया आपका शाहनवाज जी, और हम आपको आप भी आपसे संपर्क करते रहेंगे, बीजेपी क्या सोच रही है सब पर आते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर जो है वो तिरुवनंतपुरम से जो आ रही है वो ये है कि राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री हैं, वो फिलहाल शशि थरूर से आगे चल रहे हैं। ये अगर ट्रेंड है दक्षिण का, केरल का, तो बीजेपी के लिए एक नई बड़ी शुरुआत होगी। इस वक्त सीधा चलते हैं हमारी सहयोगी ममता चोपड़ा के पास। ममता हमें बताएंगी जो बिग तस्वीर है, बड़ी तस्वीर है, वो देश की क्या है। सीधा चलते हैं ममता के पास। ममता, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक और ऋतु। और जाहिर है कि इस वक्त के जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार बदल भी रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े उलट फेर भी हैं जो हमें देश के अलग अलग हिस्सों से मिल रहे हैं। आपके सामने सबसे पहले रखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की तस्वीर, 2019 की क्या थी और 2024 की क्या थी, एक नजर डालें इस पे। हम जानते हैं कि बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, लेकिन इस वक्त तक जो रुझान दिख रहे हैं वो 36 सीटें बीजेपी को दिख रही हैं, कांग्रेस को एक, लेकिन कांग्रेस के बढ़त 7 सीटें, समाजवादी पार्टी बड़ा उलट फेर करती हुई 34 सीटें अपने खाते में इस वक्त रुझानों में डालती हुई, बसपा का खाता नहीं खुला अभी तक, ये सवाल ये निशान लगता है बसपा के ऊपर जिसने इस बार अकेले चुनाव लड़ा। रालोद के साथ एनडीए के साथ हाथ मिलाने का असर दिख रहा है, रालोद के हिस्से में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, और अपना दल सोनेलाल को अभी भी इंतजार है कि उनका खाता खुले। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर, बड़ी तस्वीर, क्योंकि 2019 से तुलना करें तो 2024 के अभी तक के रुझान एक बदली हुई तस्वीर दिखा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य, इसलिए तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार की बात करते हैं, 2019 की बात करें तो भाजपा ने 17 सीटें तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस वक्त के रुझान दिखाते हैं कि 12 सीटें भाजपा के हिस्से में जाती हुई, कांग्रेस को बढ़त मिल रही है 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में, जदयू के पास 9 सीटें, 16 सीटें थी पहले लेकिन फिलहाल 9 नुकसान होते हुए, और राजद के पास लेकिन फायदा होते हुए राजद के पास सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं 6 सीटें। यानी कि इंडिया गठबंधन की बात करते हैं हम तो कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है अलग अलग दलों को, और वो इन आंकड़ों में हमारे सामने नजर आता है। तो इसीलिए बिहार की सीटों पर भी हमें अब तक के रुझान दिखाते हैं कि 2024 में बाजी पलटी हुई है। पश्चिम बंगाल, महत्वपूर्ण पूर्वी भारत का राज्य, जहां पे भाजपा के पास 17 सीटें, पिछली बार 18 सीटें थी, और अभी तो मात्र रुझान आ रहे हैं ये और बढ़ सकते हैं। कांग्रेस के पास 2 सीटें, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पिछली बार 22, इस बार सिर्फ 23 सीटें, भाजपा कितना बड़ा डेंट लगा सकती है इस पर सबकी नजर है, लेकिन वाम दल अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं, इसलिए ये आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि पश्चिम बंगाल से लगातार भाजपा की ओर से कहा जाता रहा कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात को सामने रखा कि यहां से बड़ा उलटफेर, एक सरप्राइज आ सकता है भाजपा के खाते में, और ये इन आंकड़ों में क्या नजर आएगा, क्योंकि ये आंकड़े लगातार रुझान बदल रहे हैं, लेकिन नजर रहेगी इस पर। लेकिन महाराष्ट्र एक दूसरा बड़ा राज्य, और यहाँ की 48 सीटें भी कुछ अलग तस्वीर दिखाती हुई, भारतीय जनता पार्टी के पास 23 सीटें थी पिछली बार जब शिवसेना के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन इस बार 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस ने अच्छी बढ़त बनाई है 8 सीटें, लेकिन शिवसेना की बात करें तो शिवसेना को अभी अपने बैठ बनानी बाकी है, क्योंकि इस वक्त मात्र 9 सीटें, पिछली बार 18 सीटें आई थी जब हाथ मिलाया था भाजपा से, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट एक बड़ा उलटफेर कर रहा है, उनके खाते में 5 सीटें जा रही हैं, एनसीपी के लिए एक नुकसान की बात, क्योंकि मात्र 4 सीटों पर लड़े हैं अभी भी, लेकिन पिछली बार तो 4 सीटें आई थी, इस बार सिर्फ 1 ही सीट इनके खाते में जाती हुई। हालांकि शरद पवार गुट एनसीपी का, उनके पास एक बड़ा उलटफेर यहां दिख रहा है, 8 सीटें उनके खाते में जाती हुई, जो ये इस बात का जवाब दे रहा है, कहीं ना कहीं सवाल का जवाब दे रहा है कि जनता किसे असली एनसीपी मानती है। तो असली नकली का भी एक इस बार का एग्जाम था, परीक्षा थी इस सवाल की, जो इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं आपको महाराष्ट्र के राज्य की बात करें तो यहां पर नजर आती हैं, जिसमें भाजपा पिछली बार 23, लेकिन अब तक के रुझानों में अब तक मात्र 14 सीटों पर ही नजर आ रही है। कर्नाटक जहां से बीजेपी ने पिछली बार 25 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार अगर आप देखते हैं तो भाजपा 14 सीटों पर अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस बहुत इसमें फायदा मिल रहा है कांग्रेस को, क्योंकि वो 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और जेडीएस 3 सीटों पर, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर कि बीजेपी का जो नुकसान है वो कांग्रेस के खाते में जाता नजर आ रहा है, कांग्रेस को यहां बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन कर्नाटक महत्वपूर्ण राज्य, जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में अपनी
अपना बेहतर व्यापक असर दिखाने के लिए कर्नाटक से पहले अपेक्षा कर रही थी बीजेपी कि यहां से तो हमें फायदा होगा, लेकिन यहां नुकसान होता हुआ तो यहां की भरपाई क्या कहीं से हो पाएगी। लेकिन यही वो आंकड़े हैं जो भाजपा के पूरे भारत के आंकड़ों में भी असर डाल रहे हैं। केरल की बात करें जहां पर अभी तक इंतजार है भाजपा को उनका खाता खुलने का, लेकिन यहां पर दो सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है फिलहाल। तो केरल का एक बड़ा ब्रेकिंग ये हो सकता है क्योंकि पिछली बार 13% का वोट हासिल किया था बीजेपी ने, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ था। इस बार दो सीटों पर बढ़त। कांग्रेस की बात करें तो 13 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। केरल की 20 सीटें महत्वपूर्ण इन मायनों में क्योंकि जहां कांग्रेस का नुकसान वो लग रहा है कि भाजपा का फायदा होता नजर आ रहा है। वाम दलों के खाते में अभी तक एक, हालांकि अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। तो दक्षिण का राज्य केरल क्या तस्वीर देगा नतीजों में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक और बड़ा राज्य, और तमिलनाडु की बात करते हैं हम, तो यहां पर बीजेपी बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी कि यहां से हमें कुछ एक सीट तो मिल ही जाएगी, लेकिन अभी तक खाता नहीं खुला बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस ने जहां 8 सीटें पिछली बार जीती थी, अभी रुझानों के हिसाब से 9 सीटों पर आगे, लेकिन डीएमके पर सबकी नजर रही थी। डीएमके ने पिछली बार तो 24 हासिल की थी, लेकिन उस लक्ष्य के पास अभी तक पहुंचती नजर नहीं आ रही। अभी तक 19 सीटों पर ही डीएमके बढ़त बनाए हुए हैं। अन्ना द्रमुक के ऊपर जरूर सवाल था इस बार, क्योंकि इस बार अकेले लड़ रही है अन्ना द्रमुक। ऐसे में 1 सीट तो पिछली बार हासिल की थी, लेकिन अपने बल पर इस बार 4 पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण रहेंगे ये निर्दलीय के अन्य दलों के आंकड़े। ये जो 6 सीटें हैं, ये 6 सीटें किसको रिफ्लेक्ट करती हैं, इस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी अभी तक यहां पर अपना खाता खोल नहीं पाई है रुझानों में भी। तेलंगाना की बात, क्योंकि तेलंगाना से लगातार ये बात कही जाती रही कि जो बीआरएस का नुकसान है वो बीजेपी का फायदा हो सकता है। यहां बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बनाते हुए, कांग्रेस 8 लेकिन बीआरएस 0। तो यही जो मैं बात कह रही थी कि ये 9 सीटें थी बीआरएस की, उनमें से कहीं ना कहीं लगता है कि इसी का नुकसान इनका फायदा होता नजर आ रहा है और बीआरएस का भी खाता नहीं खुला है। तो जो विधानसभा की हम ये बात कह सकते हैं कि जो पहला नुकसान था वो यहां पर भी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस पर नजर थी पिछली बार 22, इस बार चुनाव इनको इस बार नुकसान होगा यह अपेक्षा पहले ही थी और वो दिख भी रहा है। वाईएसआर कांग्रेस के पास मात्र 5 सीटें आती हुई, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई। कांग्रेस 0 पर ही है, लेकिन टीडीपी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीडीपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में टीडीपी 15 सीटों पर आगे और जनसेना 2 सीटों पर आगे, इसलिए ये महत्वपूर्ण दिखाता है कि एनडीए को आंध्र प्रदेश में जबरदस्त बढ़त हासिल होती हुई। तो ये तमाम वो तस्वीरें आपके सामने हमने रखी जो विभिन्न राज्यों से आ रही हैं, और गुजरात पर भी एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि 26 सीटें गुजरात में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस वक्त 23 सीटों पर आगे बढ़ रही है, लेकिन 3 सीटों पे कांग्रेस भी अपनी पैठ बनाती नजर आ रही है। तो बीजेपी के अगर नुकसान हो रहा है तो कांग्रेस का वो फायदा होता नजर आ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का खाता, उसने वैसे भी कांग्रेस के साथ लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खाते में अभी तक कुछ नहीं आया है। लेकिन गुजरात में 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को नजर आता है। तो ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, ये भी दिखाते हैं कि अगर पूरे देश में एनडीए की सीटों में कम हो रही है एनडीए की सीटें, तो इन्हीं विभिन्न राज्य हैं जहां पर कुछ जगह पर उलटफेर नजर आ रहा है जहां से भाजपा नुकसान देख रही है, लेकिन वहीं अन्य दल हैं जिनको उसका फायदा नजर आ रहा है। क्या क्षेत्रीय दल दक्षिण में अपनी पैठ गंवा रहे हैं, तो क्या उत्तर भारत में बढ़ा रहे हैं? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब लेने बेहद जरूरी हैं। तो ये 26 सीटें गुजरात की जो हमने आपके सामने रखी, और 2019 की तुलना करें तो 2024 के समीकरण गुजरात में भी बदले हुए हैं। प्रधानमंत्री की साख गुजरात से जोड़ के देखी जाती है, गुजरात उनका गृह राज्य रहा है। ऐसे में गुजरात पे अगर सीटें कम हो रही हैं तो कुछ सवाल उठते हैं जिनके जवाब तलाशने जरूरी है। हालांकि ये रुझान है और रुझान को नतीजों में बदलने तक हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि नतीजे आने तक तस्वीर बदल जाती है। तो अब वापस से रुक कर लेते हैं ऋतु, अशोक आपका इस वक्त की तस्वीर आपके सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद ममता, और ममता ने जहां तमाम राज्यों की बात बताई हम अपने मेहमानों से भी शेयर करेंगे। बिल्कुल अशोक, वहीं साथ ही साथ मिशन दक्षिण की भी बात की है, मिशन साउथ की। तो मिशन साउथ पे इस ब्रेक के बाद आएंगे वापस और चर्चा करेंगे आंकड़ों की, अभी के ट्रेंड्स की, साथ ही साथ विश्लेषण की। लेकिन अभी जो इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है उस पर एक नजर डालते हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी से आगे चल रहे हैं। दिल्ली में 6 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस को बढ़त है। ये भी अपने आप में जो है एक बड़ा ट्रेंड दिखा सकता है। मुजफ्फरनगर सीट से भाजपा के संजीव कुमार बालियान आगे है। ये जो है रिजल्ट, ये ट्रेंड जो है ये अपने आप में इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। कैराना सीट से भाजपा के प्रदीप कुमार आगे हैं। ये भी मुझे लगता है कि बड़ा ट्रेंड है, बड़ा बदलाव जो है दिखता है, जो अनुमान से विपरीत है। पूरी सीट पर भाजपा के संबित पात्रा
वो आगे चल रहे हैं, पिछली बार हारे थे मामूली अंतर से, इस बार संबित पात्रा आ गए हैं। भुवनेश्वर से भाजपा की अपराजिता सारंगी आगे हैं, पिछली बार भी सिटिंग सांसद हैं, वो आगे चल रही हैं अपराजिता सारंगी। कटक पर भाजपा के भर्तृहरि महताब, वो भी आगे चल रहे हैं। तो उड़ीसा से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है, उड़ीसा से बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। केंद्रपाड़ा से भाजपा के वैजयंत पांडा, ये भी बड़ी खबर है बीजेपी के लिए, वैजयंत पांडा जो है आगे चल रहे हैं केंद्रपाड़ा से। कंधमाल सीट से भाजपा के सुकांत कुमार पाणिग्रही, वो भी आगे हैं। तो लगातार ऐसा लग रहा है कि उड़ीसा से बीजेपी अपना गढ़ लगा, वो अपना गढ़ वहां बनाती जा रही है। बोलंगीर सीट से भाजपा की संगीता कुमारी सिंह देव, वो भी आगे चल रही हैं। और उधमपुर से भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह सिटिंग सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर की ये सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। लेकिन अमरावती सुरक्षित सीट से नवनीत राणा, वो निर्दलीय थी, बीजेपी के टिकट पर लड़ रही है, फिलहाल पीछे हैं। और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा आगे हैं। ये इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग है। जी हाँ अशोक, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा रुका जाए तब समझ में आएगा कि ट्रेंड किस तरह से बदल रहे हैं, तो वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से इस ट्रेंड में अब बढ़त हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो होगी चर्चा भारतीय जनता पार्टी की मिशन साउथ की। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनादेश। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूले। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। और जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अपडेट क्या है, देश का जो नतीजा है, देश ने वोट कहां किया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे जो आपको डेटा दिखा रहे हैं, जो सबसे सटीक डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें बीजेपी लगभग 239, एनडीए 291-92 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है। और इस तरह से एनडीए की सरकार तो एक बार बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडी गठबंधन और कांग्रेस को देखेंगे, वो भी फिलहाल कई राज्यों में अच्छा करती दिख रही है। तो बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि ये ट्रेंड बने रहेंगे या ये ट्रेंड चेंज होंगे। अगले 1 से 2 घंटे में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हमारे तमाम संवाददाता जो है जमीन पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनके पास चलेंगे और वहां से सीधी सीधी जानकारी लेंगे। इस वक्त जो है आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र बीजेपी मुख्यालय से, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस हेडक्वार्टर से, और हमारे साथ निशांत राय हमारे संवाददाता, वो भी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सीधा चलते हैं, पहले शैलेंद्र मिश्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र मिश्र, सबसे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर क्या कहेंगे, बीजेपी और एनडीए इस वक्त जो ट्रेंड रुझान दिख रहे हैं वो बीजेपी की उम्मीदों के विपरीत हैं। क्या बीजेपी को लग रहा है कि कहीं कोई चूक रह गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी जिसका आकलन नहीं कर पाई थी? ये देखिए अशोक, अभी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो रुझानों को देख रहे हैं, आत्ममंथन बाद में होगा, क्योंकि एनडीए को बहुमत आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जरूर बीजेपी ने जो सोचा था वैसे रुझान आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। और क्या वहां पर कोई चूक रह गई, अगर उस पर निश्चित तौर पर बात होगी। एक बात जो चुनाव के ऐलान, उम्मीदवारों के ऐलान के समय ही यह बात सामने आ गई थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कम प्रयोग किया था, यानी अपने मौजूदा सांसदों को टिकट दिया था। पहली जो सूची आई थी 52 उम्मीदवारों की, वो सारे के सारे निवर्तमान सांसद थे। अब ये देखना होगा कि उसमें कितने सांसद चुनाव जीत रहे हैं या कितने उम्मीदवार चुनाव हार रहे हैं। चूंकि ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी उम्मीदवारों के खिलाफ बहुत ज्यादा है, और हमने देखा था कि गृहमंत्री अमित शाह ने अंतिम समय पर तमाम सीटों पर एक तरह से देखे राजनीतिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। आप देखिए नीरज शेखर एक जो सीट है बलिया, वहाँ नारद राय को शामिल किया गया एक बड़ा वोट बैंक साथ लाने के लिए। आप देखिए बस्ती, वहाँ पर वहाँ के एक महत्वपूर्ण छत्रप को साथ लाया गया हरीश त्रिवेदी की राह आसान करने के लिए। जौनपुर के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पर भी जो तगड़ी लड़ाई थी, वहाँ किस तरह से धनंजय सिंह का समर्थन हासिल हुआ और वहाँ सीकरा रेड्डी जब साथ आई तो ये कहा गया कि जौनपुर सीट बीजेपी जीत जाएगी। तो तमाम ऐसी सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला दिख रहा था। एक बात जो बहुत यहाँ पर दिख रही है रुझानों से,
कि अखिलेश यादव ने जो गैर यादव को जो टिकट दिया है, यानी पीडीए में से पिछड़ों में से जो कुर्मी एक तरह से देखें उनको बहुत बड़ी संख्या में टिकट दिया है, वो आप देखें बरेली से लेकर और डुमरियागंज तक, वो प्रयोग कुछ हद तक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का पूरा वोट बैंक कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कांग्रेस कई सीटों पर कड़ी टक्कर में है, कई जगहों पर आगे है। जैसे आप कह रहे हैं किशोरी लाल शर्मा आगे हैं अमेठी में, वहां जानते हैं एक भी वहां पर कांग्रेस का विधायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि वो इतनी महत्वपूर्ण सीट वहां कांग्रेस आगे रही दिख रही है। इस तरह की तमाम सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी बहुत कड़ी टक्कर में, नतीजों मतलब जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं अभी दिखाई दे रहा। रायबरेली से अश्वनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, शैलेन का कहना था कि अखिलेश यादव के साथ ने कांग्रेस को मजबूत किया है। रायबरेली अमेठी दो ऐसी सीटें जिसपे कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी, अपनी साख दांव पर है, सियासी जमीन दांव पर है, किस तरह के नतीजे ट्रेंड अभी बता रहे हैं रायबरेली अमेठी में दिख रहा है कि स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। जी ऋतु, स्मृति ईरानी अमेठी में पीछे चल रही है और राहुल गांधी यहाँ पर 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं विदेश प्रताप सिंह से, जो बीजेपी कैंडिडेट है, राज्य में यहाँ मंत्री है। अगर इन बातों को कहें तो ये कांग्रेस के लिए अपने गढ़ को वापस पाने की कोशिश है, क्योंकि सोनिया गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ने की जगह राज्यसभा जाना पसंद किया और वहाँ पर राहुल गांधी वायनाड की जगह अमेठी नहीं गए, उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को किया। अमेठी खास की अगर बात करें तो अमेठी में जो स्थितियां थी वो बेहद विपरीत थी भाजपा के लिए, क्योंकि जो वहां पर भाजपा सांसद और मंत्री स्मृति ईरानी हैं उनके जो सिपह सलार थे उनको लेकर लोगों में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश था। वो हमेशा स्मृति ईरानी से ज़्यादा चर्चा उनके वहां पर पीए और उनके जो कार्य देखने वाले लोग थे जो पीए थे उनकी चर्चा हुआ करती थी, वो स्थितियाँ दिख रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में स्थिति अगर अभी तक जो रुझान है उन रुझानों को ही अगर उनका विश्लेषण करें तो स्थिति ये है कि बसपा का एक बड़ा वोट बैंक जो कि 2019 में सपा बसपा ने साथ चुनाव लड़ा था, बसपा का जो वोट बैंक है और जो सामान्यतया फॉरवर्ड विरोधी वोट बैंक है, यंग वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं इस तरीके का वोट बैंक है जो सामाजिक संरचनाओं में कहीं ना कहीं अपने को अलग लेके चलता है, वो पूरी तरीके से शिफ्ट होता दिख रहा है। और यही बात मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा था कि अगर ये वोट शिफ्ट होगा तो कहीं भाजपा को ज़्यादा नुकसान उठाने की स्थितियाँ आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी ने केवल गैर यादव जो अन्य जातियों को वोट दिया उसका उनको लाभ मिल रहा है, जहाँ पर उन्होंने वर्मा को वोट दिया, सारे वर्मा जो है सामान्यतया उन सीटों पर पटेल और वर्मा, अनुप्रिया पटेल और कमेरावादी अपना दल के साथ नहीं गए, अपने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ जाते दिखे। बिंद जहां पर थे, केवड़ जहां पर थे, मल्लाह जहां पर थे, जहां पर अन्य सीटों पर दूसरी जातियों के लोग थे, वहां पर वो टैक्टिकल शिफ्टिंग की गई है ओबीसी वोट की। लेकिन तब भी एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक भाजपा के साथ इंटैक्ट रहा और वो रहा है, उसकी वजह से स्थितियाँ भी ये हैं कि बनती दिख रही हैं जिस तरीके से हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल वोटिंग हुई और उसके अलावा एक और मैं बात कहूंगा कि प्रत्याशियों के प्रति घोर नाराजगी थी भाजपा सामान्य। अभी तमाम आकलन और तमाम जो है अटकलियां अटकलबाजियां चल रही हैं। सीधे निशांत के पास चलते हैं। निशांत, आप बताइए कहां पर इस वक्त आप और क्या वहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं? निशांत हैदराबाद में जी। देखिए मैं इस समय तेलंगाना में मौजूद हूँ, हैदराबाद में मौजूद हूँ। अगर यहाँ की बात की जाए तो हैदराबाद सीट पे फिलहाल ओबीसी बढ़त बनाए हुए हैं और पूरे तेलंगाना की बात की जाए तो 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर AIMIM आगे चल रही है, 1 सीट पर BRS आगे चल रही है। फिलहाल हैदराबाद का कुछ ऐसा हैदराबाद का जो समीकरण है, माधवी लता को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था, उसका असर ये हुआ है कि दक्षिण भारत में बीजेपी की जो मौजूदगी है वो काफी मजबूत नजर आ रही है। पिछली बार तेलंगाना में बीजेपी ने जहां 4 सीटें हासिल की थी, इस बार 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि हैदराबाद फिलहाल बीजेपी की पकड़ से दूर नजर आ रही है, हालांकि अभी काफी समय है, रुझान लगातार बदल रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि दक्षिण भारत में तेलंगाना में खासकर बीजेपी अपनी जो मौजूदगी है वो बहुत ही मजबूती के साथ दिखा रही है। जी निशांत, हमारे साथ पराक्रम भी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। पराक्रम, क्या आपके पास अपडेट है अभी?
रितु, चंडीगढ़ की बात करें तो देखिए ब्यूटीफुल सिटी, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से ये जाना जाता है, और इसमें जो खास मुकाबला है वो भाजपा बनाम कांग्रेस है। कांग्रेस ने कांग्रेस के बड़े नेता मनीष तिवारी को यहाँ से उतारा है और भाजपा की तरफ से संजय टंडन यहाँ पर मैदान में है। लेकिन हम बात करें तो बैलेट पेपर की गिनती से ही जो है मनीष तिवारी वो लीड बनाए हुए हैं, और जो इस वक्त चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा है उसमें मनीष तिवारी 50,026 मतों उनको मिले हैं और संजय टंडन को मिले हैं 44,686। इसका मतलब कि 5,340 मतों से हम ये कह सकते हैं कि मनीष तिवारी बढ़त बनाए हुए हैं यहाँ पर। और सिटी ब्यूटीफुल की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे हैं। यहाँ पर मुद्दा एक स्थानीय प्रत्याशी का भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, किरण खैर यहाँ से पिछले दो बार से सांसद रही हैं और उसके बाद में अब यहाँ से जो भाजपा ने संजय टंडन को उतारा है तो एक बड़ा इसमें बात यह हम कह सकते हैं कि संजय टंडन स्थानीय उम्मीदवार हैं। संजय टंडन की जानते हैं कि चंडीगढ़ की जनता की परेशानियां क्या है, कहना है कि ये एक असर दिखाई दे रहा है। जी पराक्रम, पराक्रम अश्विनी, हमारे साथ शैलेंद्र और निशांत मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का ही सारे अपडेट्स देने का। एक बार फिर हम स्टूडियो का रुख करेंगे। रितु, इस वक्त जो है जो बड़ी खबर जो बता रहे, इलेक्शन ब्रेकिंग जो है, पहले उसमें बात कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 1,22,082,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो विदिशा शिवराज सिंह चौहान जो है मामा जी की जो लोकप्रियता बनी हुई है। छिंदवाड़ा में बीजेपी 14,322 वोटों से आगे चल रही है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 1,39,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज आगे चल रही हैं आम आदमी पार्टी के जो सोमनाथ भारती हैं उनसे। नई दिल्ली से बड़ी खबर है, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 1,82,000 वोट से आगे हैं। और जब ये अंतर होता है तो उसमें लगता है कि कोई बड़ा अब हेरफेर होने वाला नहीं। लेकिन कुछ बड़े हेरफेर की चुनाव को लेकर प्रदीप के पास अपडेट है, और वो अपडेट ये है कि इस बार नोटा को भी कई जगह पे बड़े वोट मिल रहे हैं। प्रदीप जल्दी से। बिल्कुल, इंदौर के अंदर लोकसभा चुनाव में इंदौर में नोटा का जो वोट पड़ा है वो 59,463 पड़ा है। मतलब जो बीजेपी ने यक्षिबम को अपने साथ लाया, कई लोगों ने ना भाजपा को वोट डाला ना कांग्रेस को वोट डाला, अपना विरोध नोटा में डालकर प्रस्तुत किया है। और बिहार के गोपालगंज में 51,000 वोट नोटा को पड़े हैं, नोटा से ज्यादा है। 2019 में बिहार में 51,000 वोट पड़े थे गोपालगंज में नोटा में, इंदौर में अब 59,000 वोट पड़े नोटा के, जो अभी तक के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा है। 59,000 इंदौर में नोटा के वोट पड़े हैं। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश ने जिस तरह से अभी तक ट्रेंड्स में क्लीन स्वीप किया है 29 सीटों पर, बीजेपी के लिए चिंता की बात है। नोटा वोट बिल्कुल चिंता की बात है, लेकिन एमपी के मन में मोदी ये भी बड़ा सिद्ध होता है जिस तरह से जीत दर्ज की है। नोटा जाना एक चिंताजनक बात है। आइए सीधे रुक करेंगे मिशन साउथ को लेकर भी, किस तरह की डेटा सेंटर पे हमारे पास जानकारी है, रुक करेंगे सीधे सुरेश जायसवाल का। बैठ जाना, तो बैठ जाना, बैठ जाना। जी सुरेश, सुरेश भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा नारा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिशन साउथ को था लेकर, 131 सीटें 5-6 राज्यों की एक साथ मिलाकर अगर हम बात करें तो क्या इस समय ट्रेंड दिखाई दे रहा है? केवी आपके पास आना चाहेंगे, केवी इसी सवाल को आपको अगर हम जी आगे रखें आपके सामने। देखिए, मिशन साउथ में जो सबसे बड़ी गढ़ था बीजेपी का वो है कर्नाटक, और जो आपके आई रुझान दिखा रहे हैं तो कर्नाटक में बीजेपी अच्छा संकेत दिख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जो सिद्धरमैया की सरकार है वो संकट में घिरेगी अगर ये रुझान सीटों में तब्दील होगी। वो इसलिए कि पार्टी के अंदर काफ़ी गुटबाजी थी, और एक तरफ डीके शिव कुमार जो थे उनका अपनी दावेदारी है, प्लस वो उनका जो था कि वोकलिंगा वोट मैं खींचूंगा अपनी तरफ, वो बीजेपी का जो जेडीएस के साथ तालमेल बैठा तो उसका रुझान आप देख रहे हैं कि अपने खुद अपना फायदा मिलता दिख रहा है। तमिलनाडु में फिलहाल जो है जो बीजेपी की उम्मीदें थी वो फिलहाल परवान चढ़ती नहीं दिख रही तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मुश्किल था, नहीं वोट शेयर में जरूर बढ़ेगा, ये सबका अनुमान शुरू से अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा, सीटें निकाल पाएंगी इस पर बहुत बड़ा शक था। उसकी वजह यह कि वहाँ पे जो मेन मुद्दे हैं द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बीच में भारतीय जनता पार्टी एक क्या 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 ये जो रुझान दिखा रहे हैं, क्या इसमें लग रहा है बीजेपी ने रणनीतिक रूप से एक चूक करी एआईडीएमके के साथ जो है वहां पर कोलेशन नहीं करके? लेकिन क्या इसी के साथ वो चूक की जो बात अशोक कर रहे हैं, लेकिन जिन छोटी पार्टियों के साथ समझौता किया है
उसमें देखना पड़ेगा, उसमें देखिए जैसे आपने पीएमके के साथ किया, वो वन ईयर बेल्ट में उनकी 10 से सीटों पे उनकी पकड़ है, लेकिन वो उसका फायदा बीजेपी को बाकी राज्यों में मिलने, बाकी स्थानों में मिलेगा नहीं मिलेगा इस पे एक शक है। दूसरा ये है कि आपके अलाय जीते वो लगवाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर बढ़ाने का मकसद है कि आप आने वाले असेंबली चुनाव में कुछ ना कुछ अपना रास्ता खोलेंगे। ओके। और वहाँ पे चूंकि जयललिता के बाद एआईडीएमके वो डैम के नहीं रही जो एक मजबूत खड़ी रहे, तो वो जो खाई है बीजेपी चाहेगी उस खाई में कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता बनाए और कमल के लिए रास्ता खोले। ये आइए एक बार फिर रुख करते हैं सुरेश जायसवाल का मिशन साउथ को लेकर, ही उनके पास क्या अपडेट है डेटा सेंटर से। जी सुरेश, सेंटर में अपने सभी सहयोगियों के साथ मौजूद हैं जहां पल पल के नतीजों और रुझानों का विश्लेषण हम कर रहे हैं। अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें लगभग और रुझानों को मिलाकर के एनडीए 290 सीटों पर आगे चरी चल रहा है, लेकिन इन चुनावों में जो एक बड़ी चीज अभी तक दिख रही है कि बीजेपी को जिस तरह से दक्षिण भारत में सफलता मिल रही है, लोकसभा में तो सफलता मिल ही रही है, विधानसभा के दो जो चुनाव हुए हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, दोनों ही जगहों पर बीजेपी और एनडीए सत्ता में आते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों राज्यों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपने राज्यवार विश्लेषण में सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम भारत की, जहां हमारे सहयोगी पंकज तिवारी हमारे साथ हैं। पंकज बताइए, क्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश की तस्वीर, खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां चतुष्कोणीय मुकाबला था, वहां क्या अपडेट है? सुरेश बताना चाहूँगा वहां पे कि वहां पे बीजेपी और कांग्रेस में नेक टू नेक फाइट है। अभी बीजेपी 11 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो 10 सीटों पर आगे है, और एनसीपी जो शरद पवार का गुट है वो 8 सीटों पर आगे है। सुरेश, जो सबसे जानने वाली बात इम्पॉर्टेंट है वो ये कि एनसीपी जो है, जो अजीत पवार का गुट है, वो सिर्फ 1 सीट पर आगे है, और जो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का है वो 7 सीटों पर आगे है। तो देखा जाए तो इस अलायंस को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको याद होगा सुरेश कि चुनाव शुरू होने से पहले विश्लेषक ये बात कह रहे थे कि बीजेपी वहाँ अगर वहाँ पर अकेले लड़ती तो उसे ज़्यादा फायदा होता, और ये रुझानों में दिख भी रहा है सुरेश। तो अब जो परिणाम है, अब तो मतलब यह है कि महाराष्ट्र पहले से कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट होगी, और ये रुझानों में दिख भी रहा है। ठीक है, अब हम आगे अपने सहयोगी अतुल से बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के बारे में खास तौर पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा निर्णायक साबित होता है। अतुल, क्या है उत्तर प्रदेश के नतीजे? सुरेश जी, सबसे पहले मैं उत्तर भारत की बात करूंगा, जहां पर पिछली बार एनडीए को 96 सीटें 126 सीटों में से मिली थी, लेकिन अब की बार तगड़ा डेंट लगता हुआ एनडीए को दिख रहा है। बीजेपी गठबंधन केवल 58 सीटों पर इस समय आगे चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से लगभग 36,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन वहीं हम भाजपा के कई दिग्गज नेता वो पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही हैं, लल्लू सिंह फैजाबाद लोकसभा सीट से पीछे चल रहे हैं, मोहनलालगंज से कौशल किशोर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार हमारे रुझानों में जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी में तगड़ी लड़ाई देखी जा रही है। जी अतुल, आप जैसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो खुद आगे हैं, लेकिन कई दिग्गज मंत्री उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई में अभी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले सहयोगी रवि जी से, जो कि आपको आंध्र प्रदेश विधानसभा के नतीजे बताएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं वहां ऐसा लग रहा है कि इस बार एनडीए सरकार की बनने की प्रबल संभावना है। रवि जी, क्या है आंध्र प्रदेश का अपडेट? प्रदेश में सुरेश नतीजे एनडीए, जैसा कि आपने कहा, एनडीए के काफ़ी पक्ष में हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम देखें टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जिससे गठबंधन किया था, एनडीए में शामिल थे, चंद्रबाबू नायडू अपने बूते पर आंध्र प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। 120 सीटों पर उनकी बढ़त चल रही है उनके उम्मीदवारों की, और 175 का जो आंकड़ा, 175 टोटल सीटें हैं, तो अपने बूते पर टीडीपी वहाँ पर सरकार बना सकती है। साथ ही जो लोकसभा के नतीजे हैं उसमें भी आंध्र प्रदेश की वजह से दक्षिण भारत में जो थोड़ा सा नुकसान बीजेपी को कर्नाटक में हो रहा है उसको ऑफसेट आंध्र प्रदेश कर रहा है, और मेरे ख्याल से जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं केरला से और तमिलनाडु से, वहाँ पर से भी बीजेपी को एक आध सीट पर सफलता मिल सकती है। तो दक्षिण भारत में बीजेपी को कुछ सफलता मिलती हुई दिख रही है, और साथ ही आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार
बनती दिख रही है। लेकिन एक और राज्य जहां इस बार चुनाव हुए हैं वो है उड़ीसा। उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी में कड़ा मुकाबला था और बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि उड़ीसा के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अनुभव जी हैं। क्या है अनुभव अपडेट उड़ीसा का? देखिए बिल्कुल, उड़ीसा की अगर बात करें तो वहां पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए और 147 सीटें हैं वहाँ पर विधानसभा की। बीजेपी को या हम किसी भी पार्टी को कहें तो सरकार बनाने के लिए 74 सीटें चाहिए और बीजेपी इस वक्त जो अभी रुझान आ रहा है 67 सीटों पर आगे है, यानी जो उसको सरकार बनाने के लिए हम कहें तो 7 सीटों की अभी और ज़रूरत है और अभी 20 के आसपास जो रुझान है सीटें वहाँ के रुझान नहीं आए हैं। तो ऐसे में उड़ीसा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी खबर आज के दिन लेकर आया है। लोकसभा में भी 18 सीटों पर बीजेपी उड़ीसा में आगे चल रही है और 25 सालों बाद ऐसा होगा कि बीजेपी वहाँ सत्ता से बाहर होगी और बीजेपी वहाँ सरकार बनाने की ओर अग्रसर दिख रही है। अनुभव, तो बड़ा नतीजा है उड़ीसा से जहाँ बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन देखना यह होगा कि उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री कौन होता है। अब एक बार हम ओवरऑल नतीजों की बात करें तो हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, क्या कहेंगे आप ये जो ताजा नतीजे, पूरे उत्तर प्रदेश का जो परिदृश्य है या पूरे देश का परिदृश्य कहें, क्या कहेंगे आप? देखिए, फिलहाल जो सीटों का हार जीत का अंतर है वो जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी उसके हिसाब से चीजें बदलती हुई दिखेंगी। फिलहाल नेक टू नेक कई सीटों पर चल रहा है। इसमें ये देखना होगा कि भाजपा किस तरह से जो सीटों पर पिछड़ रही है, जैसे अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी बहुत कम अंतर से, मुश्किल से 300-350 वोट से पीछे चल रही हैं। तो इस तरह की कई सीटें हैं जिस पर भाजपा अभी बढ़त आराम से बना सकती है। तो फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जब एक बार परिणाम स्थिर होता दिखेगा, रुझान स्थिर होते दिखेंगे, तब हम किसी निष्कर्ष पर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि तमाम व्यवधानों के बावजूद एनडीए जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 20 सीट ऊपर जा चुकी है और बीजेपी भी तकरीबन 250 का आंकड़ा पहुंच रही है। उम्मीद की जा रही है कि आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस पूरे परिणामों, जब तक नतीजे की तस्वीर साफ होगी, बीजेपी शायद अपने दम पर भी बहुमत पालेगी और एनडीए की सत्ता में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। एनडीए 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। जी ऋतु, ये तो फिलहाल की खबर है, लेकिन अभी बहुत कुछ इस चुनाव में जो है होना बाकी है। अभी बड़े सारे दौर की काउंटिंग बाकी है तो तस्वीर पर नजर रहेगी। शुक्रिया आपका। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग, इलेक्शन ब्रेकिंग की आ रही है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। लगातार रुझानों से कुछ नए जो सामने ब्रेकिंग आ रही है उसमें गांधीनगर से अमित शाह 188,000 से अधिक वोट से आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से अमित शाह 188,000 वोट से आगे, पोरबंदर से डॉक्टर मनसुख मांडविया 1.5 लाख से अधिक वोटों से आगे। ये गुजरात है जहां का ट्रेंड जो है जो बता रहे हैं उसी हिसाब से है। गांधीनगर में अमित शाह 188,000 और मनसुख मांडविया करीब 1.5 लाख वोटों से आगे हैं। लेकिन साथ साथ गुजरात में फिलहाल जो अब से कुछ देर पहले हमारे पास डेटा थे, 3 सीटों पर वहां पर कांग्रेस भी जो है फाइट देती हुई दिख रही है। वो सीटें क्या है उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बड़ी खबरों पर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनादेश। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. Ghutna, kandha ya kamar, chahe jaisa ho dard, Dr. Ortho aapko deta hai dard se puri azadi. Ye koi temporary painkiller nahi, Ayurvedic aushadhi. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? तो चेक किया, मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
तो जनादेश आप देख रहे हैं और लोकसभा चुनाव के रुझान और परिणाम जो आ रहे हैं, हम लगातार आपको बता रहे हैं, सभी अपडेट बता रहे हैं, देश के तमाम सीटों से जो रुझान आ रहे हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर दिख रही है वो ये दिख रही है कि एनडीए बहुमत से सरकार बनाते दिख रही है, लेकिन बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत के पास पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये अभी साफ होना बाकी है। इंडी गठबंधन कई जगह पर अच्छी फाइट दे रहे हैं, खास करके अगर बंगाल में कहें, उत्तर प्रदेश में कहें, ये दो तीन राज्य हैं जहां पे इंडी गठबंधन फिलहाल जो अच्छा करते हुए दिख रहा है। सीधा इस वक्त आरंद के पास चलते हैं, वो हमारे साथ खड़े और हमको जो है कुछ डिटेल्स बताएंगे इस वक्त जो है, डिटेल्स जो है रुझान क्या दिखा रहे हैं। आरंद, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है कि किन राज्यों से किसके हक में नतीजे इस वक्त रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो किन किन जगहों से आ रहे हैं ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और हम अगर ओके रुकी आनंद, हम आपके पास आएंगे, रुकी आनंद हम आपके पास लौटते हैं, जल्दी लौटते हैं आनंद के पास, वो देखेंगे। लेकिन जैसा कि प्रदीप, राजस्थान 25 में से 14 सीटें जो हैं वो बीजेपी 25 में से 25 सीटें जीती थी, 8 सीटों पर इस बार अगर फाइट मिल रही है, वो राज्य है जहां बीजेपी एक बार फिर से बहुमत में आई है, तो ये राजस्थान का भी जो ट्रेंड है वो बहुत सुखद नहीं है। अशोक जी, ये सीधे से सीधे यही क्लियर है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर कास्ट वाइज वोटिंग हो रही है और कैंडिडेट वाइज वोटिंग हो रही है, ये ट्रेंड अगर मैं इस ट्रेंड को अगर अभी एनालाइज करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी इंडिया अलायंस जो है वो अगर आगे चल रहा है या टक्कर दे रहा है तो ये दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट और कास्ट कंसोलिडेशन हुआ है, और राजस्थान के अंदर जो 6 से 7 सीट्स है जिसपे टक्कर थी उसपे भी प्योर कास्ट कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये पूरा इलेक्शन जो है वो कास्ट के ऊपर जो है, अगर ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता है, कास्ट के ऊपर ज्यादा प्रभावी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान और बंगाल में भी इस वक्त टीएमसी लीड करती हुई दिख रही है। अगर जो भी ट्रेंड्स आप देखेंगे तो ये तीनों और साथ में महाराष्ट्र, ये 4 जो है राज्य के अंदर प्योरली अगर ये देखा जाए तो स्थानीय जो इश्यूज है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं। राजकिशोर जी, उत्तर प्रदेश, हम इससे पहले भी लगभग 1 घंटे पहले जब चर्चा शुरू की गई थी तो ये माना गया कि ट्रेंड अभी थोड़ी देर में और बदलेंगे, अभी भी ट्रेंड बदल ही रहे हैं, हम देख रहे हैं मुकाबला कड़ा है, लेकिन क्या आपको लगता है सामाजिक समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में साधा, चाहे भाजपा को लेकर, आरएलडी को अपने साथ लेकर, निषाद पार्टी को लेकर अपना दल साथी थी, तो ये जो सामाजिक समीकरण साधा था वो भी उतना सफल नहीं दिखाई दे रहा अभी ट्रेंड्स में? नहीं, जैसे सामाजिक समीकरणों की बात अगर करें तो इस पर मैंने अभी पहले भी आपसे यही कहा था कि अखिलेश यादव ने इसमें ज्यादा स्मार्टली खेल किया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जो बात अभी प्रदीप कह रहे थे उससे आंशिक रूप से मैं सहमत हूं कि कास्ट के हिसाब से वोट हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और जो राम मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा, इसके बाद और योगी फैक्टर, दरअसल योगी फैक्टर उस पर चर्चा नतीजों की बात करना ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि योगी फैक्टर निश्चित तौर पर प्रभावी है, लेकिन योगी कितने सक्रिय थे इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। और मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपको बता रहा हूं, कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 14 सांसदों ने पत्र लिखकर भाजपा आलाकमान को पत्र लिखा कि प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन वो आपको बता रहा हूं, खबरें उन्होंने 260 से ज्यादा सभाएं करी। नहीं, वो सभाएं तो की है उन्होंने, लेकिन निश्चित तौर पर, और मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए हार के तमाम वो ढूंढ लिए जाते हैं, जीत का सिर्फ एक वो होता है, लेकिन मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपसे बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी और तमाम लोग को जो लाया गया, और मैं समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां पर अपने प्रत्याशी उतारे, और एक मैं अभी वो देख रहा था ट्रेंड, 42% से ज्यादा वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 42% से ज्यादा वोट शेयर मिलकर हो रहा है सपा और कांग्रेस का, और बहुजन समाजवादी पार्टी 10% से नीचे सिंगल डिजिट में चली गई है। तो मतलब जिसको देना था वोट भी शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी, बिल्कुल मतलब ये तो बिल्कुल तय हो गया कि ये लोगों ने सोचा कि अगर एक जो वोट मिलता रहा है समाजवादी पार्टी जो बटता रहा है वो वोट बटा नहीं, और अभी तक के जो चरणों के चुनाव हुए हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अभी शुरुआती दौर है, निश्चित तौर पर तस्वीर बदलेगी, लेकिन इसने एक चीज तो साबित कर दी है कि वोटर ने यह कह दिया कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, और बहुत से मुद्दे हैं, फिर मैं कह रहा हूं सिर्फ जाति नहीं है, जाति के साथ साथ में निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी, भीतरघात और उबन, ये सब चीजें ऐसी हुई हैं। अगर नोटा को इतने वोट मिल रहे हैं कई जगह पर, इंदौर जैसी जगह पर, अगर नोटा को इतने वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार को ये सवाल तो प्रदीप से पूछना पड़ेगा, देश जानना चाहता है कि आपके शहर में क्या हुआ। हमारे शहर में यही हुआ कि जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए तो लोगों ने अपने हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के लिए 50,000 से ज्यादा वोट नोटा में डाले, उसके बावजूद बीजेपी
दो लाख से ज्यादा मार्जिन से लीड कर रही है। आपने उत्तर प्रदेश का भी जवाब दे दिया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजकिशोर जी और प्रदीप जी, आप दोनों से शुरू के दो चरणों के बाद जिस तरह से बात की गई, क्योंकि तीसरे और चौथे चरण से राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ कन्नौज में पहली बार दिखाई जी बिल्कुल। जब तीन चरण तक ये दोनों एक साथ एक संयुक्त रैली नहीं कर रहे थे तो क्या वजह रही? क्या ये कहना ठीक था कि इन दोनों चरणों में जो जमीन पे असर था वो दिखाई दे रहा था साथ आने का? बिल्कुल दिखाई दे रहा था। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के मैं अपने अनुभव से कहूँ तो वहां पर कभी खिलाफ वोट से नहीं हारी ज्यादा, जितना कि उसके अपने कार्यकर्ताओं की उदासीनता और जो उसका वोटर जब घर पे बैठ जाता है तो वोटिंग प्रतिशत जब कम हो रहा था तो ये चिंता थी। मैं अभी फिर कह रहा हूं कि शुरुआत में अभी ये नतीजे हैं, चूंकि लगातार टैली बदलती जा रही और ये बदलेगी, लेकिन जो आंकड़े आ चुके उस पर यह तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 वाला आंकड़ा नहीं दोहराने जा रही है, वो 19 को छू जाए तो अब चमत्कार होगा ये कह सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राज्य जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये जो राज्य है यहां पे ट्रेंड्स जो है वो एक्सपेक्टेड लाइंस में नहीं है। इसके अलावा अगर आप हर राज्य देख लेंगे उसमें एग्जैक्टली हरियाणा में एक्सपेक्टेड लाइन पर, हरियाणा में लोगों को मालूम था कि बीजेपी का, लेकिन राजस्थान जो है अनएक्सपेक्टेड है। 14 राजस्थान अनएक्सपेक्टेड है। राजस्थान में भी बार बार यही आ रहा था कि बीजेपी ने जो टिकट बांटे हैं वो अच्छे नहीं बांटे, कांग्रेस ने बड़ा स्मार्टली टिकट बांटे। इन स्टेट्स पे चुनाव स्थानीय हो गया, कैंडिडेट पे हो गया, कास्ट पे हो गया। पश्चिम बंगाल को किस तरह से एनालिसिस करेंगे राजकिशोर जी? इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी अंतिम रैलियों में कहा था कि पश्चिम बंगाल से बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आ तो रहे हैं, उस तरीके से देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड, लेकिन जो के पार्ट वहां पर निश्चित तौर पर मैं फिर एक चीज दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर जहाँ पर क्षेत्रीय छत्रप अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। और तमिलनाडु में भी अगर आप देखिए तो डीएमके 25% से ज्यादा वोट लेकर गई है और 20% वोट अभी भी एआईडीएमके को है। जो कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की कि वो अकेले 15% तक चला जाए, अभी 10% नहीं पहुंच पाई है, डबल डिजिट नहीं पहुंच पाई। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एआईडीएमके का वोट स्टैटिक रह ही रहा था। तो अगर आप देखेंगे सब पोल, सब लोग भी ये कह रहे थे कि बीजेपी 15% तक टच करेगी सीटें, हो सकता है तो दो सीट पे लड़ाई है, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली। तो मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा नहीं, मैं वापस से कहूंगा ये जो पांच राज्य, राजस्थान जहां प्योर कास्ट के ऊपर और कैंडिडेट के बीच, उत्तर प्रदेश जहां प्योर कास्ट कंसोलिडेशन हुआ साथ में, अगर आप देखेंगे हरियाणा जहां प्योर कास्ट कंसोलिडेशन हुआ, महाराष्ट्र जहां प्योर स्थानीय अगर ये ट्रेंड ब्राह्मण बचा हुआ है, बाकी सबने अपने कास्ट का कैंडिडेट देख लगा, अगर ये कंटिन्यू होता साफ से दिखा पड़ा तो भाजपा के मुसलमान ब्राह्मण हो गए। और लेकिन राजकिशोर जी ये भी कहना बड़ा जल्दी है क्योंकि जो अभी तक कोई इलेक्शन में आज कई लेख छपे इसी में लेकर, ये उछाल स्वाभाविक नहीं था और उसके पर करेक्शन होगा, करेक्शन होगा। मैं माफी चाह रहा हूँ सर, एक छोटा सा ट्रेंड दे दूं, उमर अब्दुल्ला खुद अपनी सीट से ट्रेल कर रहे हैं, ये चीज थोड़ी हैरान कर रही है, ये चीज हैरान कर रही है। उमर अब्दुल्ला अगर ट्रेल कर रहे हैं तो इसका मतलब कश्मीर की राजनीति भी बदल गई। वहाँ पे आप वहाँ पे इंजीनियर राशिद लड़ रहे हैं जो आपको याद है कुछ साल कुछ महीने तक इधर ही थे दिल्ली के आसपास। खैर जो मैं आपसे सवाल, दोनों राजकिशोर जी और प्रदीप जी और आपसे भी, बीजेपी ने करीब 100 चेहरे बदले, जो आप बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बदले। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, अगर चेहरे इसलिए कि जिस तरह से कुछ हम लोग बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स के ऊपर डिसीजन हुआ, तो जब बदले इसलिए गए थे ना कि उनके खिलाफ कुछ था, उनके विरुद्ध था, तो फिर उसके बावजूद अगर आप भाप पाए कि नहीं, ये सवाल है। नहीं, यही लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने बदलने चाहिए थे उतने नहीं बदले गए, बाकी जगह तो बदले गए। और कहीं ये भी कहा गया जहां बदलने नहीं थे वहां बदल, वहां शायद बदल दिए, ये भी हो सकता है। लेकिन चलिए, हमारे संवाददाता जो है लगातार ग्राउंड पर है, वहां से अपडेट देंगे। हमारे साथ राजेश राज इस वक्त जुड़ चुके हैं, संवाददाता मुंबई से जुड़े हैं शिशिर शेखर, कुमार आलोक कांग्रेस मुख्यालय से, और साथ साथ हमारे संवाददाता कर्नाटक से जो है विक्रम जुड़े हुए। सीधे सबसे पहले चलते हैं कुमार आलोक के पास। कुमार आलोक, कांग्रेस में ऐसा लगता है कि इन फिलहाल ट्रेंड से जो है कांग्रेस में कुछ जान जो है एक बार फिर से आ गई है।
अब यहाँ पे बराबर या ऑफिस आते जाते रहता है, लेकिन आज जो माहौल यहाँ का है इनको खुशी है और खुशी बांटी भी जा रही है और मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। अभी भी उनको लग रहा है कहीं हम 272 के जादुई आंकड़े को छू लेंगे इंडिया गठबंधन। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से डिस्कशन हो रहा था उससे मैं साफ करता हूँ उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आ रहे हैं जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि बसपा का टोटल वोट बीएसपी का टोटल वोट लगता है ट्रांसफर हुआ है। अगर हम रिजल्ट देखें नगीना जो लोकसभा क्षेत्र जहां से चंद्रशेखर आजाद लीड कर रहे हैं वहां अब तक 3 लाख की गिनती हो चुकी है और बहुजन समाज पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको मात्र 3000 वोट अभी तक आया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीएसपी का वोट कैसे ट्रांसफर हुआ है। हमारे साथ ऋषि कुमार जी हैं, बढ़िया संवाददाता है। सर ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, क्या कहेंगे अभी जो ट्रेंड चल रहा है? आलोक जी बहुत ही अभूतपूर्व इस तरीके के परिणाम हैं। जिस तरीके से देश में हम देखते रहे हैं हमेशा से कि जनता का जो मूड होता है मुझे लगता है सर्वोपरि होता है। अभी हम नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि एनडीए अभी भी रुझानों में काफ़ी आगे है और एनडीए के रुझानों में आगे रहने का एक मतलब है कि जिस तरीके से पूरे देश में जो माहौल था उस माहौल के हिसाब से एनडीए अभी भी बढ़त में है। लेकिन कांग्रेस ने और अपने एलाइज के साथ जिस तरीके से परफॉर्म किया है, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ पर बीजेपी जो है अभी भी 200 से ऊपर करीब करीब रुझानों में हम देख रहे हैं 240 के आसपास है, यानी कि अकेले ही तो बहुमत से तो पीछे है लेकिन अपने एलाइज के साथ वो बहुमत के करीब है रुझानों में। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया है पिछली बार से वो अभी दुगनी स्थिति पर है, 100 के आसपास है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो आपने अभी जिक्र किया उत्तर प्रदेश का, बंगाल का और तमिलनाडु का, इन तीन जगहों पर तीन क्षेत्रीय छत्रप मुझे लगता है कि उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बंगाल में एक बार फिर से TMC और वहीं पर DMK जो कि ऑलरेडी वहाँ पर है। अब अगली सरकार बनेगी मुझे लगता है इनकी कोई ना कोई भूमिका हो सकती है। अभी ये कहना एक जल्दबाजी भी हो सकता है लेकिन इन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है अब तक के रुझानों में बेहद महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश मुझे लगता है सरप्राइजिंग है। अभी ब्रेकिंग आ रही है, हम आलोक आपके पास लौटेंगे सीधा। इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी क्या खबर क्या है? बड़ी खबर है कि दिल्ली में 7 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिल गई है। अब तक बीजेपी जो है 6 सीटों पर थी लेकिन अब जो है बीजेपी यहाँ 7 सीटों पर। पश्चिम बंगाल में TMC की बढ़त बनी हुई है, ये भी इस वक्त की बड़ी इलेक्शन रुझान की जो खबर है, इलेक्शन ब्रेकिंग है। दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एक सीट जो अब तक कांग्रेस के पास जा रही थी वो भी फिलहाल जो है बीजेपी ने उस पर बढ़त बना ली है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आरेंद्र के पास। आरेंद्र हमें बताएंगे क्या ब्रेकअप आ रहा है देश भर से। आरेंद्र बिल्कुल बहुत शुक्रिया अशोक जी, और निश्चित तौर से ये जानना समझना बड़ा जरूरी है कि इस वक्त देश में जो आंकड़े आ रहे हैं किन राज्यों से किन क्षेत्रों में कहां कहां कैसे सेटल होते नजर आ रहे हैं। कुछ बड़े राज्यों की निश्चित तौर से बात करें क्षेत्रवार नतीजे, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां की 80 सीटों के रुझान कहां से किसके हिस्से में क्या कुछ आ रहा है ये देखना जरूर अपने आप दिलचस्प है। बात की जाए पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं लेकिन किसके हिस्से में कौन सी जा रही, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी वहां पे आगे बढ़त बनाए हुए, बहराइच में बीजेपी, बलिया में सपा, बांसगांव में कांग्रेस, बस्ती में सपा और भदोई में बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए। इस तरीके से पूर्वांचल की चंदौली सीट की बात की जाए तो सपा यहां पे आगे है, देवरिया में बीजेपी, डुमरियागंज में बीजेपी, गाजीपुर में सपा आगे है, घोसी में सपा आगे है, गोंडा में बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए। तो ये अपने आप दिखाता है किन किन सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी आगे बढ़े हैं। गोरखपुर में बीजेपी बढ़त बनाए हुए, जौनपुर में सपा आगे है, कैसरगंज में बीजेपी, कुशीनगर में बीजेपी, लालगंज में सपा और मछली शहर में कांग्रेस, कहीं ना वहां पे सपा अपनी बढ़त बनाए हुए। महाराजगंज की बात की जाए तो बीजेपी वहां पे बढ़त बनाए हुए, मिर्जापुर में सपा, रावर्टगंज में सपा, सलेमपुर में बीजेपी, संत कबीर नगर में सपा और श्रावस्ती में सपा अपनी जीत को आगे बढ़ाते हुए नजर बनाए हुए लगातार देख रहे हो। वाराणसी की बात की जाए सबसे VIP सीट, यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी अपनी जीत को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो, सीट लगातार बने हुए। इसी तरीके से अगर बात की जाए अवध इलाके की, क्योंकि अवध इलाके में भी 17 लोकसभा की सीटें हैं, अवध मोटे तौर पर बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है और यहां की इलाहाबाद सीट बीजेपी के पास जा रही है। अंबेडकर नगर सपा आगे है, अमेठी में कांग्रेस आगे है, बाराबंकी में कांग्रेस आगे है, दौरहरा में सपा आगे है, फैजाबाद में सपा आगे चल रही है। इसी तरीके से अन्य सीटों की बात की जाए जो अवध इलाके के उत्तर प्रदेश में आती है तो हरदोई पे बीजेपी, कौशाम्बी में सपा, खीरी में सपा, लखनऊ में राजनाथ सिंह की जो सीट है वहां से वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं, मिश्रिख से सपा और मोहनलालगंज से भी सपा अपनी बढ़त आगे बनाए हुई है। ये अवध के इलाके हैं उत्तर प्रदेश के।
फूलपुर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी आगे है प्रतापगढ़ की में, सपा आगे है रायबरेली में, कांग्रेस आगे है सीतापुर में, कांग्रेस आगे और सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है। तो ये हमने आपको दिखाया अवध का इलाका। इसी तरीके से अगर हम बात करें रोहेलखंड में, यहाँ पे 11 सीटें आती हैं लोकसभा की और यहाँ पर भी कमोवेश एक मिक्स एक स्थिति दिखाई पड़ रही है। सपा बेहतर करती दिखाई पड़ रही है। अमरोहा में जहाँ बीजेपी आगे है तो आंवला और बदायूं में सपा आगे चल रही है। बरेली में बीजेपी, फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस, फिरोजाबाद में वहां पर समाजवादी पार्टी आगे अपनी बढ़त बनाए हुए। इसी प्रकार से बात की जाए मुरादाबाद में सपा, पीलीभीत में बीजेपी आगे है, साथ ही साथ रामपुर और संभल में सपा आगे है, शाहजहांपुर में वहां पर बीजेपी अपनी बढ़त को आगे बनाती नजर आ रही है। मध्य की बात की जाए तो मध्य में भी 7 सीटें आती उत्तर प्रदेश में, तो ये दिखाता है कि अकबरपुर में बीजेपी आगे है, इटावा में समाजवादी पार्टी आगे है, फरुखाबाद में बीजेपी आगे है, फतेहपुर में बीजेपी आगे है, कन्नौज में समाजवादी पार्टी जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे बने हुए हैं, कानपुर में बीजेपी जहां पर एक नया प्रत्याशी दिया गया था वो आगे बने हुए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है किल इलाकों से उत्तर प्रदेश में किसके हिस्से में सीटें आ रही। कुछ और जल्दी से रुख कर लेते हैं कर्नाटक के लिहाज से, तो कर्नाटक में किस प्रकार की, क्योंकि वहां की जो अलग अलग इलाके हैं, मुंबई कर्नाटक की बात की जाए तो 6 सीटों के इस वक्त आप रुझान देख सकते हैं। बागलकोट में, बेलगांव में, बीजापुर में बीजेपी आगे है, चिक्कोड़ी में कांग्रेस, तो धारवाड़ हावेरी में भी बीजेपी आगे बनी हुई है। इसी प्रकार से हम अन्य सीटों पर इलाकों की बात करें तो ग्रेटर बैंगलोर में यहां पर क्या किस प्रकार की स्थिति है, 3 सीटों में यहां पर 2 बीजेपी और 1 पर कांग्रेस आगे है। इसी तरीके से ग्रेटर बैंगलोर के बाद मध्य कर्नाटक की जल्दी से बात करें तो यहां पर 2 बीजेपी के पास, दावणगेरे में कांग्रेस अपनी बढ़त को आगे बनाए हुए है। साथ ही साथ मध्य कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक इलाके की बात की जाए तो 5 सीटों वाले इस इलाके में 3 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 2 पर बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। हैदराबाद कर्नाटक के बाद ओल्ड मैसूरू इलाके की बात की जाए तो यहां की 8 सीटों में से बीजेपी के पास में 2 सीटें, तो चामराजनगर में कांग्रेस आगे है और जेडीएस 3 सीटों पर अपनी आगे बढ़त बनाए हुए है। तो यह दिखाता है किस तरीके से मैसूर और तुमकुर में भी यहां पर बीजेपी आगे है। तो ये दिखाता है किन किन इलाकों से, किन किन राज्यों में बड़े तौर पर स्थिति आ रही है। महाराष्ट्र भी जल्दी से हम देख लेते हैं क्योंकि महाराष्ट्र भी एक बड़ा इलाका है और यहां के किन इलाकों में क्या स्थिति है। तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहां पे किस प्रकार की स्थिति है, संभवतः महाराष्ट्र के इलाके जो है उनके से पहले हम अगर छत्तीसगढ़ को देख लें कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ से यहां पर दोनों बीजेपी के पास में है। इसके अलावा बात की जाए मध्य छत्तीसगढ़ की तो यहां पे 6 में से 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तरी छत्तीसगढ़ की तो यहां पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी 3 में से 1 सीट कोरबा की कांग्रेस के पास जाती दिखाई पड़ रही है। तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि यहां पर 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस अपनी बढ़त आगे बनाती दिखाई पड़ रही है। अगर हम एक बार महाराष्ट्र की कोशिश करें कि महाराष्ट्र में किस प्रकार के आंकड़े हैं, तो महाराष्ट्र में समझने की कोशिश, क्योंकि विदर्भ वगैरह तमाम जो इलाके हैं वो किस प्रकार का इस वक्त ट्रेंड दिखा रहे हैं। 10 सीटों वाले विदर्भ की बात की जाए तो अकोला में कांग्रेस, अमरावती में कांग्रेस, भंडारा में बीजेपी, बुलढाणा में शिवसेना, चंद्रपुर में कांग्रेस और गढ़चिरौली में भी यहां पर कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। बीजेपी नागपुर में है, नागपुर से बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए, रामटेक में कांग्रेस, वर्धा में यहां पर एनसीपी है, यवतमाल वाशिम में यहां पर बनी हुई है, एनसीपी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये मराठवाड़ा जहां पे बहुत कुछ स्टेक पे था, इन 8 सीटों की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस भी यहां पर बेहतर करता दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कोंकण की बात की जाए तो कोंकण की 7 सीटों की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवसेना यहां पर 2 सीटों पर आगे है, तो बीजेपी 2 सीटों पर यहां पर आगे दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ ग्रेटर मुंबई की बात करें तो ग्रेटर मुंबई की 6 सीटों में से यहां पर बीजेपी और शिवसेना बेहतर कर रही है, लेकिन इसके अलावा अन्य जो उद्धव ठाकरे गठबंधन है वो भी अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। तो कमोबेश जो बड़े राज्य हैं वहां पर सब जगह से एक मिक्स सा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी तस्वीर है। वापस चलते हैं हमारे सहयोगी अशोक और ऋतु के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आरेंद्र। तो आरेंद्र ने हमको देश की तस्वीर दिखाई, क्या क्या जगह पर क्या ट्रेंड आ रहा है वो बताया, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है आपको एक दिखाते हैं कि जो तस्वीर है, बिग पिक्चर है, वो जरा एक बार देख लेते हैं इस वक्त की तस्वीर क्या है। अगर देश भर की तस्वीर देखें तो आप ये देखिए कि बीजेपी और एनडीए जो है 297 सीटों पर अब तक बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें बीजेपी अकेले 241, शिवसेना जो है वो 6 सीटों पर और एजीपी 1 सीट पर और हम पार्टी जो है बिहार में वो 1 सीट पर, और इसके अलावा जेडीएस कर्नाटक में 3 सीट पर, जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो 15 सीटों पर, एनपीएफ उत्तर पूर्वांचल की 1 सीट और एनसीपी जो है 1 सीट पर, टीडीपी 16 सीटों पर एक बड़े चंक के साथ, यूपीपी जो है 1 सीट पर, अजसू 1 सीट पर, एलजेपी 5 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है, आरएलडी 2 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है। तो बिहार में बीजेपी के सहयोगी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो है बीजेपी के सहयोगी अच्छा नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के हिसाब
से 18 सीट पे लीड करी है 21 में से। ओके 18 मतलब क्लीन स्वीप जैसा हम सोचते हैं, तो उड़ीसा क्लीन स्वीप में। वापस से कह रहा हूँ अशोक जी, सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ा इस वक्त शॉकर है वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है जहाँ पे रामलहर की बात हम सब लोग सबने करी। चलिए इसमें बात पड़े, एक बार इंडी गठबंधन का भी देख लेते हैं आंकड़ा। 226 सीटों पर रुझान के साथ आगे, जिसमें सीपीआई 3, डीएमके 21, सबसे बड़ा घट जो है आईयूएमएल 3, जेकेएनसी 2, जेएमएम 2 और एमडीएमके 1, एनसीपी जो है वो 8 शरद पवार की, आरजेडी 4, आरएलपी 1, आरएसपी 1। तो आरजेडी तो बहुत अच्छा करती नहीं दिख रही है, लेकिन शरद पवार की पार्टी का गठबंधन जो है वो बना हुआ है। और यूबीटी शिवसेना वो 10 सीटों पर, ये भी अपनी बात है। और सबसे बड़ा जो चंक है वो समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर, सीपीआईएमएल 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है, बीसे की 2 सीटों पर। ये इंडी गठबंधन का अगर आप देखेंगे ब्रेकअप जो है, और अदर्स के खाते में जो है फिलहाल 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये अदर्स में इंडिपेंडेंट 6 हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा 6 इंडिपेंडेंट कौन है। वाईएसआरसीपी 4 सीटों पर, और शिरोमणि अकाली दल 2 सीटों पर, एआईएमएम 1 सीट पर, और इसके अलावा जो है तमाम देखेंगे बीजेडी 1 सीट पर है, एसकेएम 1 सीट पर, और जेडपीएम 1 सीट पर, और वीओटीपीपी जो है 1 सीट पर, डीएमडीके जो है तमिलनाडु में वो एक सीट पर जो है। अशोक जी एक बड़ी बात बताऊंगा, अभी तक 20-25% वोट टोटल काउंट हुए हैं, अभी 75% वोट को काउंट होना बाकी है। 75% वोट काउंट होने बाकी है, तो मुझे लगता है दोनों ही तरफ आपने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इंडी गठबंधन को लग रहा होगा कि ये 75% वोट होने हैं वो उनकी झोली में आ जाएंगे तो कहीं बहुमत मिल जाएगा। बीजेपी एनडीए को लग रहा होगा कि ये उनमें से बड़ा चंक मिल गया तो फिर 300 का पार पहुंच जाएंगे। लेकिन अशोक अभी तक के ट्रेंड्स का टेक अवे यही है कि समाजवादी पार्टी अगर 80 में से 34 सीटों पे आगे चल रही है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का अंतिम निर्णय जो एक था चुनाव की घोषणा के बाद कन्नौज से खुद चुनाव लड़ना, उसने एक बड़ा परिवर्तन किया, उनके कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूकी, क्योंकि 19 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और ये पहला चुनाव था जो मुलायम सिंह यादव के बगैर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे। तो एक बड़ा असर 34 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी आगे है, उसके फैक्टर्स पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ अन्य आंकड़ों को भी लेकर विश्लेषण करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटते हैं आपके पास। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस। क्यूरियस अबाउट दिस प्लेस, स्कैन दिस क्यूआर कोड बिफोर आई टेक इट ऑफ विद माय सिएट टायर्स। सिएट, क्राफ्टेड फॉर द क्यूरियस। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। जनादेश आप देख रहे हैं, और जनादेश में हम आपको देश की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो चुनाव के नतीजे और रुझान आ रहे हैं वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई जगह से चौंकाने वाले नतीजे और रुझान दिख रहे हैं, लेकिन कई जगह से एक्सपेक्टेड लाइन पर दिख रहे हैं, कई जगह से जो एग्जिट पोल थे उस लाइन पर है कई स्टेट में, लेकिन कई स्टेट ऐसा लग रहा है कि तमाम एग्जिट पोलर्स जो हैं वो उसको पकड़ नहीं पाए। सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड लाइन पर उत्तर प्रदेश जाता हुआ दिख रहा है, ये एक बड़ी बात है। तो हम इन सब चीजों पर लगातार इनका आकलन कर रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऋतु क्या तस्वीर दिख रही है? जी हाँ बिल्कुल, इस समय जो दिखाई दे रहा है उसमें जो महिला उम्मीदवार हैं उसमें अनुप्रिया पटेल भी पीछे चल रही हैं, स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही हैं,
डिंपल यादव आगे चल रही है, निरंजन ज्योति आगे चल रही हैं, तो ये वो तमाम एक तरह से कह सकते हैं ये उम्मीदवार, ये सीटें हैं जिस पर निगाहें सबकी लगी हुई थी। और उत्तर प्रदेश से जो कैंडिडेट और खासकर महिला कैंडिडेट दोनों ही अनुप्रिया पटेल और स्मृति ईरानी अगर पीछे चल रही हैं, हालांकि अभी तो जैसा कि प्रदीप ने बताया कि 70% वोट काउंट होना बाकी है, ये एक फैक्ट है। पर लीड जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक ट्रेंड उत्तर प्रदेश का चेंज नहीं हुआ है। तो क्या जैसे राजकिशोर जी बोल रहे हैं कि जैसे बिहार के अंदर जब असेंबली इलेक्शंस के अंदर हमने शुरुआत में देखा था कि ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद जाके पूरा इलेक्शन चेंज हुआ था, तो क्या ये इलेक्शन के ट्रेंड को अगर चेंज होना है तो इसको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान और हरियाणा से चेंज होना पड़ेगा? बाकी सब जगह मेरे हिसाब से कोई भी चीजों में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा अगर बीजेपी को यहाँ पे आगे बढ़ना है तो। जिसकी बात अभी ऋतु जी कर रही थी, खासतौर से दो महिला कैंडिडेट के, तो भारतीय जनता पार्टी जो है शक्ति का मामला उठा, उसकी शक्तियां अभी फिलहाल और जो महिला फैक्टर की हम बात कर रहे थे, स्मृति ईरानी थोड़े बहुत वोटों से नहीं, बहुत ज्यादा अंतर से, क्योंकि उनको 77,000 वोट मिले हैं और दूसरी तरफ जो किशोरी लाल बहुत आगे 15,000 शिफ्ट चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए कि लंबा चौड़ा ये गैप है। और सबसे बड़ी बात है कि अब एक चीज तो तय है कि जो 2014 के नतीजे थे उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं छू सकती है, यूपी में 90% स्ट्राइक पे वापस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और जो दो लड़कों की जोड़ी है, पहले कमाल कर पाई ना हो कर पाई हो, इस बार तो कमाल कर दिया है वहां पर, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। चलिए कुछ ग्राफिक्स से और समझ लेते हैं तस्वीर जो इस वक्त की क्या है, सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी गौरव के पास। गौरव, क्या तस्वीर दिखाते हैं बताइए। और आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, और ऐसे में देखिए आप बगल में मेरे देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो समीकरण है वो किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर पूर्व भारत की जो तस्वीर है वो आप देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। एनडीए आप देख सकते हैं कि 25 सीटें हम उत्तर पूर्व भारत की दिखा रहे हैं, वहां पर जो एनडीए है वो 15 सीटों पर अभी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहां पर थोड़ा घाटा भी है। इसके अलावा और देखिए, चलिए एक बार फिर चलेंगे हम गौरव के पास, समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ट्रेंड क्या है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जो तस्वीर है वो लगभग स्टेबल है। अगर पिछले एक घंटे से देखें जब से हम प्रदीप, तो बहुत बड़ी तस्वीर में फर्क नहीं आया है, स्टेबल है। आप कह रहे हैं 75% की काउंटिंग होनी बाकी है, लेकिन लग रहा है लगभग उसी तरह से, ट्रेंड में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। एक बार प्रदीप, महाराष्ट्र के भी ट्रेंड अगर आप हमारे साथ बताएं कि किस तरह से क्या बदलाव दिख रहा है। इंडिया अलायंस जो है वो लीड कर रहा है। तो अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर जो लास्ट ट्रेंड की अगर मैं बात करना चाहूंगा, तो लास्ट ट्रेंड के अंदर जो अगर मैं आपको इस वक्त बताऊंगा जो मैं कर रहा हूं, जी हाँ, तो महाराष्ट्र के अंदर अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो महाराष्ट्र के अंदर इंडिया अलायंस 28 और एनडीए 19 सीटों पे है। ओके, तो ये दोनों राज्य जो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यहाँ गठबंधन आगे चल रहा है, जो सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा राज्य, ये दो सबसे बड़े शॉकर हैं। ये सबसे बड़े शॉकर है और ये गेम चेंजर भी है एक तरह से। लेकिन गुजरात में आपके पास अपडेट है, गुजरात में बीजेपी पहले कांग्रेस 3 सीट पे आगे चल रही थी, अब बीजेपी 25 सीट पे आगे चल रही है और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पे आगे चल रही है। सो पर मैं कह रहा हूँ अशोक जी, देखिए यहां से ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा अगर ये ट्रेंड को चेंज होना है। जिस चमत्कार की मान लीजिए 1% जो चमत्कार की बात हो रही है, वो चमत्कार होना है, उसके लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और बंगाल, इन तीनों में चेंज परिवर्तित होना पड़ेगा। क्योंकि बंगाल में 29 सीट्स पे टीएमसी आगे चल रही है, 29 सीट्स, ये अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड, आप मुझे बताइए, जो अगर सभी पोल्स को एनालाइज करें, मैं देख रहा था क्रॉस कि जितने भी राज्य बाकी सब के सब जो है अराउंड द सेम है, जो 5 राज्य है, एक है बंगाल, एक है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है हरियाणा और पांचवा है राजस्थान। यहाँ पे सबकी क्वांटिटी फर्क हो सकती है, पर किसने ऐसा राउट मतलब कंप्लीटली इन फेवर ऑफ इंडिया अलायंस, किसी ने नहीं किया, इंक्लूडिंग किया था। लेकिन अगर ये ट्रेंड राजकिशोर, अगर ये ट्रेंड बने रहते हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी को एनडीए के साथ जो है बहुमत मिलेगा, अकेले अपने दम पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये कितना बड़ा सेटबैक होगा। निश्चित तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और मुझे लगता है कि जो अभी तक जो बहुत कड़े फैसले जो लिए जा रहे थे, वो फैसले उसकी रफ्तार रुकेगी, और निश्चित तौर पर राजनीति की जो दशा दिशा है वो भी प्रभावित होगी। भले ही मोदी 3.0 आएगी, लेकिन उसमें निश्चित तौर पर इसका फर्क पड़ेगा। और जो वहाँ पश्चिम बंगाल की बात आप कर रहे थे प्रदीप, तो मैं जब वहाँ संदेश खाली के चक्कर में जब कई जगह घूमने गया, तो वहाँ एक और चीज़ दिखाई पड़ी कि पिछली बार सीपीएम का जो वोट था, कम्युनिस्ट पार्टियों का वोट,
वो भी टीएमसी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो गया था। हाँ। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा था कि सीपीएम को वोट मिलेगा, तो अगर वो वोट मिल रहा है तो वहां पर वो वोट कट रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लड़ाई सीधे सीधे टीएमसी और उनकी थी। और एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, जिन चेहरों की बात की जाए, कंगना रनौत आप देखिए, लग रहा था कि कंगना रनौत जो है वो सबसे बड़ा मतलब फियास्को होने जा रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन वो लगातार आगे चल रही है शुरुआत से। और मैं कह रहा हूँ राजकिशोर जी, इन सीट्स पे बीजेपी पिछली बार 68-65% से जीती थी, पर बात है उत्तर प्रदेश की मेजोरिटी सीट पे भी बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा था। ये जो स्विंग है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये अप्रत्याशित स्विंग है, बिल्कुल अप्रत्याशित स्विंग है। मैं इसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ, कोई एक इंडिकेटर नहीं था। राजकिशोर जी, भले ही अभी ट्रेंड्स में चिंता की बात है, लेकिन ये शुरुआत से कहा जा रहा था इस चुनाव में कि जिस तरह की टक्कर दी जा रही है, जो समझौते हुए हैं, उसका जमीन पर मार्जिन पे जरूर असर दिखाई देगा। तो ये भी हो सकता है कि जब तक नतीजे आए तब तक कम मार्जिन के साथ कुछ सीटें इधर या उधर होने का भी एक ट्रेंड दिखता है, ये जो टाइट फाइट है उसमें। बिल्कुल रितु जी, इसमें कोई संशय नहीं है, ये बिल्कुल बदल सकता है जब 70-75% वोट बाकी। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इतनी सीटों पर लीड ले ली गई है, तो फिर बात करें उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लग रहा है। और एक चीज स्पष्ट हो गई कि जो अलायंस था इंडिया गठबंधन दोनों लड़के, उनका वोट तो पूरी तरीके से कंसोलिडेट हुआ बसपा के लिए और बीजेपी कटा। हम आपको एक भी बता दें, इस वक्त देश जो है चुनाव परिणाम वो डीडी न्यूज के साथ देख रहा है, तमाम जो ट्रेंड्स हमें मिल रहे हैं, ये ट्रेंड है कि देश का मूड जो है वो डीडी न्यूज के साथ है, डीडी न्यूज पर सबसे सटीक आंकड़े लगातार आपको मिल रहे हैं। और हमारे जगह जगह पर हमारी जो स्क्रीन्स लगी है, मोबाइल स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन, वहां पर भी लोग चुनाव परिणाम देख रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। डीडी न्यूज ने चुनाव के परिणाम के लिए बहुत खास व्यवस्था की है, आप देखिए इस तरीके से स्क्रीन लगी हुई है जगह जगह, ताकि जो लोग हैं वो चुनाव परिणाम को देख सके। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से लोग देख रहे हैं, एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, वैन लगा हुआ है, मोबाइल वैन है, जहां पर चुनाव परिणाम डीडी न्यूज पर प्रसारित किया जा रहा है और वो लोग देख पा रहे हैं। जो लोग भी रास्ते में कहीं जा रहे हैं या फिर दफ्तर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, वो यहाँ पर चुनाव परिणाम को देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, मतलब जाते हुए लोग जान पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में अभी नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस, सो इट इज़ हेल्पिंग अलॉट। जाते हुए पता चल रहा है कि क्या अपडेट्स चल रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ जो मतलब किस पार्टी को कितना वोट मिला, ये बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। अब हम लोग का पास कोई मोबाइल नहीं है तो हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन यहाँ आ करके मैंने हम लोग जान पा रहे हैं, ये देख करके बहुत खुशी हो रही है। हम भैया ऑटो चलाते हैं, मैं सुबह चुनाव देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया यहाँ का व्यवस्था है, चैनल भी एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख पा रहे हैं चुनाव परिणाम? हाँ हाँ, सारे देख रहे हैं भैया, सुबह से ही देख रहे हैं। आप बताए जरा किस तरीके जो दूरदर्शन ने व्यवस्था की है तो कैसा लग रहा है? ये बहुत बड़ी आपकी व्यवस्था है, हम इनको लाइव देख रहे हैं, जो रुझान इनके आ रहे हैं लोकसभा के, बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रीन लगी हुई है, मोबाइल वैन है, वहाँ पर लोग चुनाव के परिणाम को देख पा रहे हैं। और डीडी न्यूज़ तरह की कई सारे मोबाइल वैन और स्क्रीन लगाए हैं ताकि लोग चुनाव परिणामों को देख सकें। और हैशटैग पर भी हम रिजल्ट विद डीडी न्यूज़ करके हैशटैग चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ताकि लोग डीडी न्यूज़ देख सके, जहाँ हम सटीक और बेहतर चुनाव परिणाम दिखा रहे हैं, रियल टाइम पे सब डाटा दिखाया जा रहा है, ताकि लोग चुनाव परिणाम को घर बैठे भी देख सकते हैं या फिर अगर कहीं रास्ते में जा रहे हैं तब भी वो देख सकते हैं। कैमरामैन भीम के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज दिल्ली। तो जहां एक तरफ अशोक, डीडी न्यूज ने स्टूडियो से तो ये इंतजाम किए ही हैं कि किस तरह से सटीक और एक तरह से रियल टाइम डेटा आप तक पहुंच रहा है हार जीत ट्रेंड्स का, साथ ही साथ बाहर भी लोग इसको एक तरह से अपने काम करने के दौरान उन नतीजों और ट्रेंड्स को देख सके, इसकी भी व्यवस्था की है। और चलिए हमारे संवाददाताओं के पास चलते हैं, विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी तिरुवनंतपुरम से हमारी संवाददाता जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुयश शर्मा, राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से, और मुंबई से शिशिर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तिरुवनंतपुरम से चलते हैं सुयश शर्मा के पास, तिरुवनंतपुरम से क्या अपडेट है आपके पास? जब पहले ट्रेंड आ रहे थे हमारे पास तो राजीव चंद्रशेखर जो है वो आगे चल रहे थे, इस वक्त क्या ट्रेंड वहां पर है? अभी भी राजीव चंद्रशेखर ही
आगे चल रहे हैं और अगर मैं कहूं तो 13,635 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हूं तिरुवनंतपुरम में और यहां जश्न की पूरी तैयारी कर ली गई है। यहां प्रकाश जावड़ेकर भी जी और कई मंत्री यहां पर आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि दो सीटों को तो कोई भी नहीं हटा सकता, एक तिरुवनंतपुरम की और दूसरी त्रिशूर की। अगर त्रिशूर की मैं बताऊँ तो त्रिशूर में भी सुरेश गोपी 43,347 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केरला में बीजेपी जो सेंथ लगाना चाहती थी उसे लगाने में कामयाब हो गई और ये दो सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ लगातार कहना है और अगर मैं कहूँ कि दो दिन पहले जो मेरी बात हुई थी शशि थरूर जी से तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को मान रहे थे कि तीन बार की हैट्रिक लगाने के बाद चौथी बार उनकी जीत होना थोड़ी सी मुश्किल है और उन्हीं का कहा आज कहीं ना कहीं सच होता हुआ भी नजर आ रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर खुशी मनाने के लिए तैयार है, कह रहे हमारी जीतों को इन दो सीटों को तो कोई भी नहीं हटा सकता और ये पूरा जहाँ पर कहना था उनका भी लगातार प्रकाश जावड़ेकर जी का कि ये पूरा का पूरा श्रेय अगर वो किसी को देते हैं तो मोदी जी की योजनाओं को और शुक्रिया आपका त्रिशूर से जुड़ने के लिए तो तिरुवनंतपुरम से जुड़ने के लिए। तो केरल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, वहां पर बीजेपी खाता खोलती हुई दिख रही है, दो सीटों पर बीजेपी ने वहां पर अच्छी खासी बढ़त बना रखी है। शिशिर के पास चलते हैं। शिशिर, पश्चिम मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में बीजेपी को उसके सहयोगियों के कारण बहुत बड़े झटके लग रहे हैं। क्या ये कह सकते हैं कि जो प्रयोग किए थे, शिवसेना का एक गुट बीजेपी के साथ आया, एनसीपी का एक गुट बीजेपी के साथ आया, ये जो कुछ बीजेपी ने प्रयोग किए ये बीजेपी को जो है वो फायदा पहुंचाते हुए नहीं दिख रहे हैं फिलहाल? देखिए बिल्कुल अशोक जी, इस वक्त अगर देखें महाराष्ट्र में एक माहौल है थोड़ी खुशी थोड़ा गम। हालांकि किसके हिस्से में खुशी जाएगी किसके हिस्से में गम जाएगा ये हालांकि रुझानों के बाद पता चलेगा। जो रुझान इस वक्त हमारे पास आए हैं उसके अगर हम बात करें तो 2019 के अगर कंपैरिजन में करें तो इस वक्त जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय है। लेकिन बात करें बीजेपी की, खासतौर पर बीजेपी हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के अब उभरी है, 2014 से लगातार जो अपना एवरेज है वो बीजेपी बरकरार रखी हुई। लेकिन जैसे आपने ठीक फरमाया कि बीजेपी के साथ जो अलाइड पार्टनर्स है, जो उम्मीद उनसे लगाई गई थी कि जो नंबर्स उनके तरफ से भी आएंगे वो यहाँ पर टैली नहीं हो रहे। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर शरद पवार गुट हो, अगर एनडी गठबंधन की बात करें तो पहले दूसरे नंबर पर यहाँ पे आता दिखाई दे रहा है। जो सीट का अगर अमूमन देखा जाए तो इस वक्त जो प्रमुख जो सीट है उसकी अगर बात करें, खासतौर पर तो महाराष्ट्र की बात करूंगा मैं, इसमें सोलापुर से जो है बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है, यहाँ पर राम सातपुते आ गए। मुंबई की बात करें तो मुंबई में दिग्गज बड़े चेहरे हैं, उसमें अगर बात करें तो पीयूष गोयल इस वक्त बढ़त बना चुके हैं। साथ ही साथ हम बात करें उज्ज्वल निकम जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी इस वक्त बढ़त बना चुके हैं। तो ऐसे में जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, नितिन गडकरी वो आ गए हैं। लेकिन मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो, इन जैसे इलाकों में इस वक्त जो है कांग्रेस को जो है अच्छी खासी लड़त यहाँ पे बीजेपी ने दी है और इसीलिए वहाँ पे जो टैलीज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़ती दिखाई दे रही है। इसका अमूमन उदाहरण इस प्रकार से देखा जाए कि अब ये नेक टू नेक फाइट महाराष्ट्र में हो चुकी है, लेकिन ये रुझान है, असली पिक्चर आना बाकी है। तो इसमें और शायद पता चले कि हालांकि कितने नंबर से कौन आ गए, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ी खुशी है थोड़ा गम है। चलिए, असली नंबर आएंगे और रुझान अभी दिख रहे हैं लेकिन क्या वो नंबर्स जिस तरह के रुझान आ रहे हैं नंबर्स वैसे होंगे, इंतजार रहेगा। राजेश राज के पास चलते हैं सीधा। राजेश राज, दिल्ली में फिलहाल अब से कुछ देर पहले 7 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी थी, कुछ अपडेट है? एक मैं कहना चाहता हूँ, अयोध्या की सीट से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त लीड कर रही है, बट बहुत नैरो लीड है। तो बात है कि अयोध्या जैसी सीट पर भी अगर अशोक जी लीड मार्जिन, राजेश आ रहा हूँ एक मिनट रुकिए जी, अगर अयोध्या जैसी सीट पर भी लीड मार्जिन 11:45 में नैरो है तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इस वक्त शॉकर है जो हर व्यक्ति अगर अयोध्या की आप बात करेंगे, आप याद करिए कि जिस समय ढांचा ध्वंस हुआ था उसके बाद भी भाजपा को झटका लगा था और अभी जानते हैं क्या दिक्कत है, जो जमीनों का अधिग्रहण हुआ है उसको लेकर नाराजगी थी प्रशासनिक। ओके, मतलब ये पूरा कास्ट बेस्ड हो गया। एक बार फिर आएंगे राजेश राज के पास चलते हैं जी। राजेश, दिल्ली का अपडेट बताएं राजेश। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में निश्चित तौर पर चांदनी चौक जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर जयप्रकाश अग्रवाल जो कांग्रेस के
प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे थे, लेकिन जो अभी सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक दिल्ली में अब सातों लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि दिल्ली के सातों विधान जो लोकसभा क्षेत्र हैं उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अब आगे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार जो उत्तर पूर्व दिल्ली से उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उन्होंने मनोज तिवारी के खिलाफ ताल ठोका था, कन्हैया भी अब पीछे चल रहे हैं, मनोज तिवारी वहां पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में एक बड़ी खबर है। और मैं अशोक, अभी भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वहां पर मैं मौजूद हूं, और यहां पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनके जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या जो उनके नेता हैं वो एक एक कर तमाम चैनलों से जुड़ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए बढ़त की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो जब बढ़त की तरफ आगे एनडीए बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम किए जाने की संभावना जो है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर सरगर्मी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अब एनडीए जो है वो बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो जादुई आंकड़ा है 272 का, उसको रुझानों में हम कह सकते हैं कि एनडीए ने प्राप्त कर लिया है, आगे जो है रुझान बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली का जो अपडेट है जो हम लगातार यहाँ बात कर रहे हैं उसको भी समझने की, मार्जिन और कन्हैया कुमार और ज्यादा मार्जिन से हारते हुए दिख रहे हैं। अब कन्हैया कुमार जिस मार्जिन से हारे हैं पिछली बार वो मैंने आपको बताया था 28,000 है, अब वो बढ़ के 35,000 क्रॉस हो गई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक बात हम लगातार कर रहे हैं कि कई राज्यों में स्थानीय फैक्टर जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का जो है वो जेल के अंदर जाना कोई सिंपैथी वेव नहीं बन पाया, अशोक जी कोई फैक्टर नहीं बना, ये एक बड़ा मतलब सिर्फ इस देश के इस पूरे राज्यों में चुनाव में जो उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र और इनमें सिर्फ और सिर्फ कास्ट और लोकल फैक्टर्स। बिल्कुल, चलिए एक बार फिर गौरव के पास चलते हैं। गौरव हमें बताएंगे इस वक्त तस्वीर जो है क्या दिख रही है, सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी गौरव के पास। गौरव शुक्रिया अशोक जी, शुक्रिया शुक्रिया रितु। और साफ तौर पर अगर हम देखें तो अब जो स्थितियां हैं वो लगातार देश भर से निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में मैप पर भी हम अब नजर डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि समूचे भारत में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। तो आप ये देखिए, अगर हम मैप पे देखें तो पश्चिमी भारत की जो हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी भारत में देखिए क्या कुछ नजर आए, 103 सीटें हैं और यहां पर जो एनडीए है वो बढ़त के साथ 58 सीटों पर है, लेकिन इसमें 39 सीटों का जो रुझान में आ रहा है कि वो माइनस भी हो रही है। और इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं तो वहां पर 43 सीटें आपको नजर आ रहे हैं और ये जो हम देख रहे हैं कि इसमें 40 सीटों की जो एनडी गठबंधन में बढ़ोतरी नजर आ रही है। वहीं अदर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2 सीटें यहां पर रुझान में उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं और 1 सीट जो अब की बार है कि माइनस में जा रही है। तो ये अब की बार के पश्चिम भारत के रुझान है, इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं ये रहा पश्चिम भारत का वो क्षेत्र और किस तरह से अब की बार पश्चिम भारत में क्या कुछ रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत जो काफी महत्वपूर्ण है, 131 सीटें, पिछली बार 2019 में हमने देखा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जिस तरह से एनडीए अलायंस था तो उसमें जो सीटें निकलकर आई थी वो 129 में से 29 सीटें निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब की बार का जो दक्षिण भारत का जो इलाका है वहां पर क्या कुछ कह रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि दक्षिण भारत में अब की बार क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, एनडीए जो है वो अब की बार बढ़त के साथ 54 यहां पर रुझान जो सीटों के आ रहे हैं वो 54 सीटों के आ रहे हैं और यहां पर 20 सीटों का उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन की बात करें तो 70 सीटें यहां पर नजर आ रही हैं और 7 सीटों का उनको बढ़ोतरी यहां पर नजर आ रही है। उसके बाद अदर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 7 सीटें और आप देख सकते हैं कि -27, यानी कि ये अदर्स में वो पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां और उनको कहीं ना कहीं आपका अब की बार घाटा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत पर खासतौर पर फोकस रहा है और यहां से तमाम सीटें पहले भी आकलन लगाया जा रहा था कि जो एनडीए है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी और आंकड़े साफ तौर पर ये दिखा भी रहे हैं। दक्षिण भारत का ये हाल आप देख सकते हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं और कलर्स भी उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कलर्स हैं वो यहां पर मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा अगले अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मध्य भारत आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में क्या कुछ स्थिति है, 40 सीटें हैं मध्य भारत में, एनडीए में 39 सीटें और यहां पर 2 प्लस होती हुई नजर आ रही है, एनडी गठबंधन 1 सीट उसको यहां पर है और 2 सीट का घाटा साफ तौर पर रुझानों में नजर आ रहा है। अदर्स आप देख सकते हैं कि बराबरी है, 2019 में भी जो हमने देखा 0 पर ही अभी काबिज है। तो ये है मध्य भारत की स्थिति जहां पर 40 सीटें हैं और ये 40 सीटें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम आपको अलग जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां की बात बताएं तो तमाम जो हम देख रहे हैं कि समूचे राष्ट्र में क्या कुछ है उसका पैरामीटर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत की जब बात करते हैं 118 सीटें यहां पर हैं, एनडीए आप देख सकते हैं
71 सीट यहां पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा इंडी गठबंधन की बात करें 45 सीट यहां पर इंडी गठबंधन को, और इसके अलावा अदर्स की बात करें तो 2 सीटें। तो पूर्वी भारत पर भी खास फोकस किया गया है, तमाम जो बातें थी वहां देखने को मिली, इंडिया अलायंस की तरफ से भी देखने को मिला और एनडीए अलायंस की तरफ से भी देखने को मिला। तो पूर्वी भारत की जो छवि है, जो तस्वीर है, वो रुझानों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एनडीए सबसे ऊपर उठते हुए यहां पर नजर आ रही है और 71 सीटें। इसके अलावा आप प्रमुख जो उम्मीदवार हैं वो आप देख सकते हैं, कंगना रनौत हैं अभिनेत्री, और ये मंडी हिमाचल प्रदेश की सीट से ताल ठोकती हुई नजर आई हैं और ये आगे चल रही हैं, और अब की बार ये बहुत ही हॉट प्रोफाइल सीट भी मानी गई। इसके अलावा राज बब्बर की बात करें तो ये गुड़गांव हरियाणा से आगे हैं, कांग्रेस पार्टी से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, प्रमुख उम्मीदवार हैं, और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं इन प्रमुख उम्मीदवारों में आपकी जो बार की जो साख है वो इनकी दाव पर लगी है। प्रमुख उम्मीदवार आपकी बार हेमा मालिनी भी हैं, जो कि मथुरा से ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं, बीजेपी से हैं, और आगे इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उसमें ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में और भी तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लें तो ये आगे हैं, आसनसोल से पश्चिम बंगाल से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और ये आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अरुण गोविल अभिनेता हैं, मेरठ से, उत्तर प्रदेश से, ये भारतीय जनता पार्टी से यहां पर चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो यहाँ पर समीकरण है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। 543 सीटों पर रुझान प्लस नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 241 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की बात करें तो 94 और अदर्स 208, ये अलग आंकड़े निकलकर जनादेश के 2024 के सामने आ रहे हैं। तो सीधे अब अपने सहयोगियों का रुख करते हैं, अशोक जी और ऋतु जी, ओवर टू यू। शुक्रिया आपका। तो गौरव हमें बता रहे थे तमाम जो रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो क्या तस्वीर हमारे सामने रीजन वाइज निकल कर आ रही है, गौरव उसको बता रहे थे। और इस वक्त जो है हम ऋतु ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ, हम आपको कुछ और अपडेट देंगे, कुछ और अपडेट लगातार आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस। Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my SEAT tires. SEAT, crafted for the curious. अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट इज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जनादेश में। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से रुझान भी बदल रहे हैं हर पल, लेकिन अभी तक यानी कि 12 बजने जा रहा है, 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे में जो रुझान सामने है, एनडीए 296 सीटों पर आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन 227 सीटों पर आगे है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 241 पर, जिसमें 62 का नुकसान दिखा रहा है, तो वहीं कांग्रेस करीब करीब 43 सीटों से ज्यादा पे आगे चल रही है, 94 सीटों पे है, 42 सीटों का एक तरह से बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस वक्त जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि मध्यप्रदेश से जो है क्लीन एक तरह से स्वीप करती दिख रही है बीजेपी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने क्या रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें संतोष है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर से मोदी की सरकार बनने वाली। सुनिए जरा मोहन यादव, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री। देश भर के जो रुझान आ रहे हैं और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार अर्थात 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे, और वह भी इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, और संतोष की बातें 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए हैं, 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और साथ साथ जी माना जा रहा है कि विभिन्न चुनौतियां भी सामने थी जिनको देखते हुए अभी भी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, वो रुझानों में नजदीक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से जो चुनाव रुझान आ रहे हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा, सुनिए जरा। उम्मीद थी, अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं, 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए। तो वो कह रहे हैं कि अभी 20 राउंड है, 5-6 राउंड की काउंटिंग हुई है, उनको अभी भी उम्मीद है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। पर बाकी सब जगह से खास करके अगर हम स्टेट वाइज जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये 3-4 स्टेट है, हरियाणा भी, जो बीजेपी को झटके दे रहे हैं। और इसके कारण बीजेपी जो फिलहाल जो है फिलहाल 300 के अंदर अपने गठबंधन के साथ सिमटती हुई दिख रही है। हालांकि बहुमत के आंकड़े के पास वो लगभग बनी हुई है, लेकिन एनडीए के साथ अकेले अपने दम पर नहीं। अगले कुछ घंटों में क्या ये आंकड़ा बदलेगा या ये जो आंकड़ा है स्टेबल हो चुका, इन सब पर जो है नजर बनी रहेगी। और आप लगातार डीडी न्यूज देखते रहिए। फिलहाल मुझे और ऋतु को इजाजत दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज पर ये जो आंकड़े हैं हम आपको लगातार बता रहे हैं, विश्लेषण भी चल रहा है, कुछ ही देर में एक नए पैनल के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है MDH, मिर्ची धनिया हल्दी।